लाइव नाउ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह, आप देख रहे हैं हमारे वीडियो। और यहां पे अभी मैं लेके आया हूं मेरे एक बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त, एक बेहद खास मेहमान जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग करी, रगड़ा खाया। वेल, रगड़ा तो इन्होंने खाया, मैं तो बस केवल शाम मारी, मैं तो ये बोलूंगा एक तरीके से। और जी हाँ, मेजर संजय सोनावने, सॉरी लेफ्टिनेंट कर्नल संजय, यू लेफ्ट द लेफ्टिनेंट कर्नल और द मेजर? यस यस यस, आई वाज लेफ्टिनेंट कर्नल व्हेन आई टुक पीएमआर। सो सॉरी भाई, सो सॉरी, क्योंकि हमारे अक्सर कोस्टमेट्स कैप्टन साहब, मेजर साहब है ना, तो इसलिए आप सीनियर हो या लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सोनावने, मैं माफी चाहूंगा, मैं करेक्ट करूंगा वहां पे भी कैप्शन में, इसके बाद वहां पे मैंने मेजर लिख दिया गलती से। बट कर्नल संजय सोनावने, एन एग्जेम्पलरी ऑफिसर लेडीज एंड जेंटलमैन, ही वाज स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, द टॉप ऑफ अ कोर्स, अ एकेडमी अंडर ऑफिसर, द बेस्ट, अ डेमो ऑफिसर। डेमो आप समझते हैं, डेमो होता है डिमोन्स्ट्रेशन टाइप, डेमो टाइप जिसको कहते हैं। हेलो मानव सिंह दरियाल, मानव इज एन आर्मी एस्पिरेंट इन फैक्ट। अब मानव, ये हमारे सॉर्ट ऑफ ऑनर, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, हमारे ऐसे मित्र। और एक खास बात भाई, एक्चुअली संजय हैज अ लॉट ऑफ अकॉर्डेट्स, अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, अ लॉट टू द इंट्रोडक्शन। ही वॉज कमीशन इन द मोस्ट प्रेस्टीजियस रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, वी विल कम टू दैट एंड यू विल नो सून व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। But before that, and of course, he also was a short service officer, but then he took extension and Sanjay could come on this talk with me, because agar service pe hote hai, aap bhi jante hain, to phir wo bandishe hoti, wo pabandi hoti, to Sanjay humare saath is conversation pe aa nahi paate. Sanjay has a very inspiring story, very, very inspiring, and I was truly inspired by that. Magar sabse zaruri baat aapko batani ye hai ki bhai, jab academy mein pehle din hum log training karne ke liye aaye, संजय वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट फ्रेंड इन अकेडमी। एंड उससे ज्यादा खास बात यह है, हम एक ही कंपनी के हैं, एक ही प्लाटून के हैं, हमारे बेड्स बैरक्स में, बैरक में करीब में थे। और अक्सर जब मेरे को दिक्कत होती थी ट्रेनिंग में, अकेडमी में, टुडे आई माइट बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट देन इट वॉज संजय हु यूज टू ऑलवेज मोटिवेट मी, यूज टू ऑलवेज, ही ऑलवेज हेल्ड माई हैंड, always stood by my side. And Sanjay, there's a lot to your introduction, I know, but I'm sorry. Mainly, so you are that same, not Colonel Sanjay Sonavne, you are that AUO Sanjay Sonavne. That's what I would say, AUO! Great to see you here. Thank you so much, bhai. Aapne hamare waqt nikala, shukriya bahut bahut. Aapka tehe dil se bahut bahut swagat hai, Sanjay. Thank you very much for being here, brother. Thank you, Ali, for inviting me, and you've taken me back to those days, those nostalgic memories. In OTA. Thanks a lot. Thanks, bhai. Abhi yahan pe ye Anurag OP hai sir. Shout out sir, shout out. Anurag ke ek ke baad ek aa rahe hain messages. Bhai, dekh lo, call aa rahi hai kahin 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 hamare company commander ki call na ho, kahin kisi ki call na ho. You might say ke bhai, kya ko matchup ke liye bhejo? Hai, Sanjay? Very nice. Utha lo, koi baat nahi, utha lo aap. If you want, you can mute it. मैं डर गया कि भाई कहीं हमारे एजुरेंट साहब के पास तो मेरा बड़ा मैचअप हुआ था। आई वाज द ओनली कैडेट इन एकेडमी जिसका कमांडेंट के पास मैचअप हुआ है। भैया नाम रोशन कर दिया, कमांडेंट के सामने मैचअप हुआ, तो भाई मैं डर गया कि भाई। संजय, लेट्स स्टार्ट विद योर स्टोरी। और मैं चाहूंगा कि भाई वी लेट्स स्पीक इन हिंदी, व्हाई? बिकॉज मेनी ऑफ आवर पीपल, दे कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड। बहुत लोग हैं जो बड़े शहरों में नहीं है, छोटे गांव में भी बैठे होंगे, हमें सुन रहे होंगे अपने मोबाइल के जरिए। और मैं चाहूंगा कि भाई हर कोई हमारी कहानी सुने और आपकी कहानी से इंस्पायर हो, प्रेरणा ले, जिस तरीके से आई गेट इंस्पायर्ड। मैम ने बहुत प्रेरणा ली है आपसे संजय भाई। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ब्रदर, लेट्स, आपकी स्कूलिंग कहां से हुई थी और उसके बाद की कहानी आप बताइए, आपकी जबानी। ओके अली, थैंक यू फॉर सो नाइस वर्ड्स एंड टेकिंग मी बैक टू दोज डेज। बहुत अच्छी यादें हैं हमारी ओटीए की, एंड प्रोबेबली हम लोग उस चीज़ को जिंदा रखना चाहते हैं अपने जहन में। दोस्तों, अली इज अगेन इंस्पायरिंग फिगर, बहुत ही जोश, आई थिंक अगर जोश लेना है तो अली से लेना है। एंड अकेडमी ऑल्सो ही हैज शोन दैट जोश डिस्पाइट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। मेरी स्टोरी
सिंपल है, आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और जर्नी एक स्मॉल टाउन औरंगाबाद से शुरू हुई थी। स्कूलिंग इन फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड इन अ वेरी वेरी नॉर्मल स्कूल, दैट इज ऑफ जिला परिषद स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, विच इज अ प्लेस वेयर एवरी नॉर्मल चाइल्ड फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली गोज इन दोज डेज। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, अभी काफ़ी बदलाव हो गया है। पांचवी कक्षा से मुझे एक अच्छा स्कूल मिला बेस्ड ऑन मेरिट, और शायद वो टर्निंग पॉइंट है, सरस्वती भुवन हाई स्कूल, औरंगाबाद का एक रिनॉन्ड स्कूल है, और उस स्कूल में शायद एक अच्छे जीवन की नींव रखी गई। बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन, संस्कारों वाला फाउंडेशन, वैल्यू सिस्टम, जिसका एक बहुत महत्व है अपने जीवन में, जिसको हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अभी, बिकॉज वॉट एवर वी बिकम बिकम फॉर मेनी रीजन्स, इट रियली नैरोज डाउन टू योर वैल्यू सिस्टम, जो आप अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से, दोस्तों से, रिलेटिव से, इंस्पायरिंग फिगर से आप लेते हो और उसके सहारे चलते हो। तो हमारी स्कूल जो थी वो एक बहुत ही अहम स्कूल, 10th तक, 11th 12th आई डिड इन देवगिरी कॉलेज, अगेन अ वेरी रिनोन्ड कॉलेज टिल देन। टुडे थिंग्स आर चेंजिंग, लॉट ऑफ कमर्शलाइजेशन हैज हैपेंड, एंड आफ्टर 12th हम्बल बैकग्राउंड वॉन्टेड टू स्कीप स्टडीज एंड ज्वाइन जॉब, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑफ ईयर 95 जब मैंने 12th खत्म की, और तब मुझे जॉब लगा कि पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे बिकॉज आई वॉज एल्डर, बाद में सिस्टर थी, एक यंगर ब्रदर, वी आर थ्री, सो एंड बेसिकली पढ़ाई से दूर भागना, दैट वॉज अ रियल रीजन कि नहीं करेंगे पढ़ाई आगे। तो 12th के बाद इंजीनियरिंग में नंबर लगा, लेकिन आई स्टार्टेड अप्लाइंग हेयर एंड देयर, और एयरफोर्स में मेरा एज एन एयरमैन सिलेक्शन हुआ, और वहां जाके पता चला कि आई कुड हैव डन एनडीए, लेकिन यहीं पे मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है कि मुझे एनडीए के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। बीइंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, ऐसे इंटरनेट का एज था नहीं तब, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वे रेयर होती थी, एक रिनॉन्ड एक दो न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप, जिसमें बहुत ही टू द पॉइंट न्यूज़ होते थे, नॉट मच ऑफ अवेयरनेस और एडवर्टाइजमेंट अबाउट एनीथिंग। तो ऐसे दौर में जब हम एयरफोर्स में गए एज एन एयरमैन इन टेक्निकल फील्ड, मैं रडार फिटर बनकर ज्वाइन किया था, और वहाँ से एक जिंदगी का अलग मोड़ शुरू हुआ। इंजीनियरिंग छोड़ के गया था, वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स जो अच्छे लोग होते हैं उन्होंने ये देखा कि ये इंजीनियरिंग छोड़ के आया था, इसको वापस भेजना चाहिए, इंजीनियरिंग करे और एयरफोर्स के ऑफिसर कैडर में आए। लेकिन मैंने बोला नहीं, अभी तो मैं अपने पापा से लड़ के आया हूँ कि मैं जॉब करूंगा, और पहुंच गया। तो वहां से मुझे गाइड किया गया कि यू टेक द एक्सटर्नल ग्रेजुएशन एडमिशन, जो मैंने ग्रेजुएशन की एडमिशन ली, और एयरफोर्स की सर्विस शुरू हो चुकी थी, और एक्सटर्नल एडमिशन में फिर 3rd ईयर में मैंने CDS अप्लाई किया। CDS में लकीली फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, SS भी फर्स्ट टाइम में हो गया, एंड देन आई लैंडेड इन OTA। और जब अली भाई या और सारे दोस्तों को मिलने का मौका मिला OTA में, तो मेरे पास एक छोटा सा पास था, जो एक प्रोफेशनल पास था इंडियन एयरफोर्स का, जो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, वेर आई लर्न अ लॉट। और जब आर्मी में शिफ्ट हुआ, चेंज ऑफ ड्रेस था, बाकी तो सब सेम है, नेशनल सर्विस, वन ऑफ द विंग ऑफ 3 आर्म्ड फोर्सेस, मुझे ज़्यादा बदलाव था नहीं, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, एक नेचर ऑफ सर्विस बदल रही थी, बाकी लोग अली भाई जैसे वेर फ्रेश, आई वॉज नॉट फ्रेश एक्चुअली। और वहाँ मुझे इसका फायदा हुआ, मैं तो 2 स्टार लगाने गया था, बट मुझे शायद किस्मत ने मेरे कैपेबिलिटी से ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड दिया, एंड वॉट अली वॉज मैंशनिंग सोर्ड ऑफ ऑनर एंड ऑल, दैट वॉज रियली आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दैट वॉज समथिंग विच आई गॉट बियॉन्ड वॉट आई डिजर्व एक्चुअली। दिस इज अ स्मॉल स्टोरी अली, एंड आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड विथ सम वॉट एवर पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव। That is very humble of you, Sanjay. That's very, very modest. And भाई ये लोगों का बड़ापन होता है, वो अपने मुंह से अपनी खुद की तारीफ नहीं करते, मगर संजय इज एन एपिटोम ऑफ दैट रियली। और संजय ने से कहा कि ये पढ़ाई से भागने गए थे, भाई मेरे को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि एकेडमी में हर सब्जेक्ट में हमारी पढ़ाई भी होती है रगड़ा पट्टी के अलावा, ठीक है? तो जितनी भी पढ़ाई थी रगड़ा पट्टी में तो खैर टॉप कर ही रहे थे संजय भाई, और दौड़ने में बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ते थे। एक टाइम मेरे को याद है कि दोनों पाओं में, घुटनों में पट्टी बंधी हुई थी संजय के, और दैट टाइम आई हैड अ लिगमेंट टेयर दैट टाइम, मगर संजय बिल्कुल फिर भी क्रॉस कंट्री जितनी भी रन हो
सबसे आगे दौड़ा संजय ने हमेशा। और अच्छा बहुत कम होता है कि भाई कोई फिजिकल्स में फिट है और उतना ही अच्छा अकेडमिक्स में हो। अब संजय ने बोला कि पढ़ाई से दूर भागने गए थे, भागते भी तेज थे और पढ़ाई में और भी ज्यादा तेज। तो भाई इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी टू हियर। बट संजय टेल मी वन थिंग, जब एयरफोर्स में गए एज एन एयरमैन एंड आपको मालूम पड़ा कि यू कुड हैव जॉइन एनडीए, तब आपके दिल में क्या बीती? आपको लगा कि भाई अब तो मैं फंस गया या मैं ट्राई करूंगा आगे, और लाइक यू नो व्हाट वाज व्हाट केम थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम व्हेन यू रियलाइज दैट यू कुड हैव डन मच बेटर एट दैट टाइम? यस अली, अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं कुछ चीज़ें हमें अपने स्वभाव के बारे में पता नहीं होता है, और धीरे धीरे हम जब इस एज में अभी मैच्योर होके पीछे देखते हैं तो मुझे एक चीज़ जब डिलिबरेटली नहीं हुई थी तब, अब लगता है कि दैट वाज फाइन, एक्सेप्ट करना, डिसीजन ले लिया, उसके बाद मूव ऑन एंड एक्सेप्ट, लिव विथ इट। जब मैं, पापा की इच्छा थी कि इंजीनियरिंग पूरी करे, लेकिन मैंने डिसीजन लिया था कि टू सपोर्ट द फैमिली एंड अर्ली एम्प्लॉयमेंट, दैट वॉज अ ड्रीम थिंग। लाइक एट द एज ऑफ 18 यू आर गेटिंग अ जॉब, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ जॉब इज देयर, वॉट लेवल इट इज देयर, बट इट वॉज अ जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब एंड ड्रीम जॉब, यू आर इन आर्म फोर्सेस। तो जब मैं पहुंचा, थोड़ा सा दर्द हुआ कि अरे मैं एनडीए करता फिर अगर हो जाता मेरा, जब पता चला तब। बट देन आई डिसाइडेड कि अगर इफ आई डिजर्व इट आई विल स्टिल मेक इट। ये वाला जो एक एटीट्यूड, अब इन हैंड साइट पीछे मुड़ने के बाद लगता है कि दैट वॉज अ करेक्ट एटीट्यूड। इफ यू डिजर्व समथिंग, सूनर और लेटर इट विल रीच यू, और यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन। और ये बिलीफ सिस्टम कि आप पानी में कूद गए, तैर के उधर जाना है, पीछे नहीं आना है, तो विच आई फॉलोड टिल डेट, कि डिसीजन लेने में यू कैन टेक टाइम, बट डिसीजन ले लिया तो मूव ऑन, यू शुड नॉट बी देन कमिंग बैक, लिव विथ योर डिसीजन एंड डोंट रिग्रेट, बिकॉज देर इज नो पॉइंट रिग्रेटिंग। ऑफकोर्स वॉट यू मैंशन कि थोड़ा सा एक डिसीजन पे रिपेंट या सम काइंड ऑफ थोड़ा बैड फील हुआ होगा, थोड़ा सा बैड फील हुआ था कि हमने गलती तो नहीं की, बट देन इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ थिंग्स रियली हैपन एंड टर्न अराउंड फॉर यू, एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन। सुपर, यू नो हमारे कोर्स में लाइक तोमर वाज देयर, वो भी एयरफोर्स में था एंड नाउ ही इज डूइंग सो वेल, ही इज कमांडिंग एन आर्टिलरी रेजिमेंट। और डीके तिवारी वाज देयर, ही इज डूइंग सो वेल, एंड मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि डिड यू हैव एन इनिशियल एडवांटेज, क्योंकि आप वो एयरफोर्स का रगड़ा खा के आप ओटी में आए थे, आपको आप डह गए थे, क्या आपको उसका एक एडवांटेज आपको नॉट टेक्निकली बट इंटरनली फॉर योर सेल्फ? जैसे कि फर्ज करिए लोग जो मिलिट्री स्कूल से आते हैं या सैनिक स्कूल से आते हैं या आरएमसी से आते हैं, उनको एक एडवांटेज होता है एक तरीके से, इंस्टेड ऑफ पीपल जो कम हु कम फ्रॉम डे स्कूल्स। तो उस तरीके से आपको अपने अंदर महसूस लगा फिटनेस लेवल पे? यस अली, यू आर राइट। इसको आप इक्वेट कर सकते हैं कि एट द एज ऑफ 18 आप एनडीए में जाओ या उससे पहले मिलिट्री स्कूल में जाओ, समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग विथ अस, फोर ऑफ अस, तिवारी वाज देयर, सेल्फ वाज देयर, तोमर वाज देयर इन आवर कोर्स एंड सुरेश वाज देयर। तो चार लोग थे, बाबू, तो हम चारों को एडवांटेज डेफिनेटली होगा। सेकेंडली, एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज है अबाउट एयरफोर्स, वॉट एवर पोजिशन यू ज्वाइन इन एयरफोर्स, आपको पढ़ाई बहुत करना पड़ती है, और इनवेरिबली एट दैट एज नो बडी लाइक्स पढ़ाई, लेकिन वहाँ से आपको एक अलग ही रिदम मिलता है पढ़ाई का। यू विल नॉट बिलीव, 2 साल जब मैंने वो डिप्लोमा इक्विवेलेंट कोर्स है बैंगलोर में एयरफोर्स का फॉर एयरमैन फॉर रडार, तो जब मैंने उतनी पढ़ाई की तो मुझे आई वॉज कन्विंस कि इससे कम मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता शायद, इतना ज़्यादा वहाँ पढ़ाई थी। तो उसका फायदा मुझे एकेडमिक्स में हुआ ओटीए में, एंड फिजिकल्स यस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक अच्छी आदत बचपन से खेलने कूदने की और दौड़ने की आदत मुझे बाद में काम आई, जो कि प्लान्ड नहीं थी। आई वॉज फॉन्ड ऑफ रनिंग सिंस माई चाइल्डहुड, एंड मैं खेलता था और रेगुलर एक्सरसाइज करता था, जो कि डेलिबरेट नहीं था, विच वॉज पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फन एंड पार्ट ऑफ जस्ट रूटीन, वो मुझे ओटीए में काम आया। अदरवाइज ओटीए में आई थिंक द यूनिक पार्ट अबाउट ओटीए इज नो टाइम, इट इज सो फास्ट पेस्ड कि आपको कोई मौका नहीं है। तो भाई उसका मैं बता दूं, ओटीए में मैं, मेरे को इतने पनिशमेंट्स मिल गए थे ओटीए में, रिस्ट्रिक्शंस, मेरा मार्च मार्च पे मार्च अप और पता नहीं भूत बन गया था मेरा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब मैं हाईलाइट हो चुका था मैं ओटीए में, कि भाई अब हम एक तरीका था स्क्वाड में जाना, मतलब अब 4 साइकिलें जाएंगी, मेरे साथ कोई स्क्वाड बनाने को तैयार ही नहीं, क्योंकि अगर शाह के साथ स्क्वाड बनाओगे
तो भाई उस्ताद पकड़ लेगा, देख लेगा, नजर उसकी जाएगी, जैसे ही कम बैक साइकिल ऊपर पेड़ पे चढ़े, तो उस तरीके का था। बट संजय ऑलवेज गेव मी सपोर्ट, ऑलवेज गेव मी कप ऑफ फायर, ऑलवेज वॉज देयर टू होल्ड माई हैंड। संजय एक बड़ा अच्छा कमेंट आ रहा है संकल्प झा का, सर प्लीज गेट दी लेजेंडरी इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर विक्रांत गुलानी टू योर शो प्लीज सर। फिर से लिखता है मेजर विक्रांत गुलानी, गुलाने अगली बार तेरा नंबर है भाई। अली भाई विल टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड स्लोली। संजय भाई लेट्स शेयर सम ग्रेट मेमोरीज ऑफ ओटीए यार, हमारा 2.4 जो के आपने मेरे ख्याल से 9 मिनट से भी कम में कंप्लीट किया था, इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम। एंड आई रिमेंबर हम वो सफेद बनियान और सफेद शॉर्ट्स पे हम दौड़ रहे थे, आफ्टर यू कंप्लीटेड दैट रन संजय आई रिमेंबर आपकी छाती में तो भाप निकल के आ रही थी। Am I right? You remember that? It's right. हरमीत भाई खड़ा था, हरमीत था, मैं था, तो छाती में से भाप निकल के आना ओटीए में चेन्नई में, मतलब इट लव यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ रगड़ा वी ऑल वेंट थ्रू, इट वाज फन यार, इट वाज फन। एंड संजय आई वुड लाइक टू नो भाई हाउ इज स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एज यू राइट यू सेड इट वाज अ बोनस, आई डोंट थिंक इट वाज अ बोनस, आई थिंक यू राइटली डिजर्व्ड इट एंड आई थिंक यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट, बिकॉज someone who is an all-rounder जो physicals में भी super excellent, पढ़ाई में भी academic में भी super excellent, हर तरीके से order of merit में a most exemplary officer and very unassuming, आप very down to earth, chilled out, really cool person, and सोचिए training ही आपको रड़ा दे रही है, इसके अलावा academy cadet adjutant, फिर academy और जिम्मेदारी है पूरे प्लाटून या कंपनी की नहीं, पूरी एकेडमी की, पूरे कोर्स की, साथ में जूनियर्स की भी। संजय हाउ वाज एक्सपीरियंस बीइंग द एकेडमी कैडेट एडजुटेंट एंड थेरआफ्टर एकेडमी अंडर ऑफिसर एंड थेरआफ्टर द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर? अली स्पेसिफिक टू दिस बिकमिंग एसीए, एक स्मॉल मोमेंट है व्हेन अपना फर्स्ट टर्म खत्म हुआ था और हमारा काउंसलिंग हो रहा था प्लाटून लेवल पे, डीएस वाज काउंसलिंग अस, और हमारे थे आर्मर के जो डीएस कुमार, अमिताभ कुमार, एंड यस तो ही वाज काउंसलिंग अस वन बाय वन, और वहाँ पे व्हाइट हाउस में दैट वाज द हेड ऑफिस ऑफ ओटीए, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी टू पिक अप द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स, और यहाँ पे अमिताभ कुमार सर he was counseling us performance on everything. तो मुझे अभी भी याद है कि he was saying संजय you have done well and you will become some appointment. तो शुरू में उन्होंने मुझे बोला कि you will be a sergeant or JEO or something. But during the course of that counseling, he was not sure what will be my position, because he being a DS must have given whatever marks or something and forwarded, but he might not be knowing other cadets' performance. But the best thing, he left it open-ended when the counseling was over and that performance appraisal, whatever interaction was there. So in the end, he was self-clueless ki what I will become, but I will become something. So when I came out, then the result was there after half an hour or so. News came that I have become ACA. So I feel that moment, and there is so much about that, ki my own DS, who supposed to know me inside out, was not really able to judge me because probably I don't exhibit those things. But through the performance, probably that was the biggest reward I feel, that I surpassed the expectations of my basic DS. Second, now about being sword of honor, there is a unique thing which can be connected to our march and shoot. March and shoot ke day pe, there is a very horrible incident and which I want to carry for good reasons in my heart. Us din mein, Deshmukh was a good runner in our company. He was generally first. To Deshmukh ke peeche mein aaya tha Philora mein. Aur hum parallel rope pe chade. Deshmukh to aage nikal gaya. वो आफ्टर क्रॉसिंग दैट आई थिंक बार्ब्ड वायर और समथिंग, उसके बाद पैरेलल रोप पे चढ़े तो उस्ताद ने नीचे से स्मोक कैंडल ऑन कर दिया, देशमुख मूड अहेड और मैं ऊपर था और नीचे से स्मोक कैंडल ऑन हो गया, एंड आई इनहेल्ड द इनिशियल फ्यूम्स व्हिच इज जनरली मोर डेंजरस और मोर पॉइजनस,
तो उसके बाद यू इमेजिन मार्च एंड शूट का 5 किलोमीटर रन, यू गेव योर बेस्ट दैट डे, मी एंड टोटली यस दोस्तों, जिनको मार्च एंड शूट मालूम नहीं है, मार्च एंड शूट होती है वो आप दौड़ते हो फिर आपको गोली मारनी पड़ती है टारगेट पे, और आप हाफ तो है टारगेट पे गोली मार रहे हो, तो आप एनीवे संजय गो ऑन, तो ये हुई मार्च एंड शूट, ठीक है? हाँ, गो ऑन संजय, मार्च ऑब्स्टेकल एंड शूट, एक्चुअली ऑब्स्टेकल्स इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो उस दिन ये हुआ कि जब मैं ऊपर हुआ और नीचे से आई थिंक वो उस्ताद डिले कर गया, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सो अर्ली अराइवल ऑफ कैडेट्स, देशमुख एंड मी मस्ट हैव गिवन बेस्ट टाइमिंग। उस दिन कराड़ को भी मैंने पीछे छोड़ा था, कराड़ वॉज बेटर रनर, जनरली पीपीटी में वो मेरे से आगे आता था। तो देशमुख जो था वो हमारा कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट था, और कराड़ जो था वो अपॉइंटमेंट होल्डर था, वो सीएसएम था। और फर्स्ट टर्म में इंसिडेंटली, हम फर्स्ट टर्म में हम ट्रेनिंग कर रहे थे, दैट टाइम आई वाज अ लैंस कॉर्पोरल एंड कराड़ आल्सो वाज अ लैंस कॉर्पोरल, और कन्वर जो था वो कॉर्पोरल था। यस, मगर मेरी डी बार बार अकेडमी में छुट्टी भी रुकने के बावजूद भी, और लास्ट अटेम्प्ट तक नहीं हुआ, इस पे भी हम जाएंगे, वो अलग किस्सा है। ओके, गो ऑन संजय, प्लीज प्लीज, वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर दिस। तो उस दिन जैसे वो फ्यूम्स नीचे से आए, एंड आई वाज देयर ऑन टॉप जस्ट अबव दैट कैंडल, थोड़े से डिस्टेंस भी ऊपर मैं ही लटका हुआ था, और मैंने इनहेल कर दिया, आई लॉस्ट माय सेंसेस एक्चुअली। एंड मैं उसके बाद, एक कमांडो वॉल का ऑब्स्टेकल है, उस पर मैं चढ़ तो गया थोड़ा सा हाफ और वट एवर आई ट्राइड, आई डोंट नो, जो बाद में बताते लोग। उसके बाद मैं गिर गया विथ राइफल, और उसके बाद मैं करता रहा बिकॉज एंटायर कंपनी वॉज फॉलोइंग अप, सब आ रहे थे। आई वॉज, दो रोप होती है कमांडो वॉल पे, तो एक रोप पे आई वॉज ट्राइंग, दैट रोप वॉज ब्लॉक्ड बिकॉज मैं उस पर ट्राई करे जा रहा था, बाकी सब सेकेंड रोप से ऊपर जा रहे थे, सम वर ट्राइंग टू लिफ्ट मी, ऊपर से भी किसी ने खींचने की कोशिश की शायद, बट इट इज डिफिकल्ट टू पुल अ पर्सन विथ बैकपैक एंड दैट राइफल। तो मैं वहां से 4-5 बार गिरा, एंड इंसिडेंटली दैट डे कमांडेंट वॉज देयर, जनरल अवस्थी, एंड जनरल अवस्थी वॉज वॉचिंग फ्रॉम डिस्टेंट, तो सम डीएस मस्ट बी देयर, तो ही सॉ कि एसीए इज फॉलिंग डाउन 2-3 times, ही मस्ट हैव सीन, एंड आई वॉज फॉलिंग डाउन विथ माई वेपन ऑन माई बैक, तो ही जस्ट हिंटेड ही विल सफर इंजुरी, टेक हिम अवे। तो वेन द उस्ताद केम टू मी, आई डोंट नो, दिस वॉज नैरेटेड बाई पीपल एंड स्पेशली अपने डीएस राकेश शर्मा, कैप्टन राकेश शर्मा देन, तो मुझे लेके उनसे हम बहुत एक सीबीसी थी। और भाई एकेडमी में ऐसा होता है कि हम एकेडमी में ट्रेनिंग करे होते हैं, तो हमारे जो प्लाटून कमांडर होते हैं वो कैप्टन साहब होते हैं अनुबंध होते हैं, और एक मेजर साहब होते हैं कंपनी कमांडर, एक कर्नल साहब होते हैं बटालियन कमांडर, फिर एक कमांडर साहब होते हैं जो कि जनरल साहब होते हैं, ठीक है? तो जो कैप्टन साहब थे, पता है कि भाई अगर जेम्स बॉन्ड के बाद कोई है तो वो हमारा प्लाटून कमांडर है, इसके अलावा कोई नहीं है, ही यूज्ड टू बी अ सुपर हीरो। सो कर्नल राकेश शर्मा, दैट टाइम कैप्टन राकेश शर्मा, इनको कहते बड़े प्यार से कहते राका, राका आ गया, राका के भागो, सब लोग डर के भागे थे, राका राका, एंड कैप्टन कर्नल अमिताभ कुमार, एंड दैट टाइम कैप्टन अमिताभ कुमार, कुमार 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 गाइस, कुमार जी भागे थे, स्कूल में होता नहीं है वैसे, भागे भागे। और फिर मिश्रा सर आए थे, ही वाज फ्रॉम असम, ही वाज आवर प्लाटून कमांडर एज वेल, कर्नल मिश्रा, ही वाज अ जेम ऑफ ऑफिसर। एंड एक बार पैरास के आए थे कर्नल विकास सिंह, अभी वो ब्रिगेडियर साहब बनने वाले होंगे वो, एंड ही वाज गो, क्या उनका स्टाइल था भैया, लंबी गाड़ी थी, बुलेट थी, अलग मोटरसाइकिल थी, और डॉग भी था उनका जर्मन शेपर्ड, तो ही टू गो फॉर अ वॉक विद हिज वाइफ विद 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 कर्नल विकास, एंड ही टू ऑलवेज लुक एट मरून बेरे ब्लैक डागरी कमांडो लिखा हुआ था, टाट, अरे यार, आई वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय हिम, एंड आई वाज myself in SF Opti, उसपे हम आएंगे, मगर I can't curtail my excitement with my coursemate, my brother Najin, same company, same platoon types, अब तो हमारा रिश्ता ही अलग है, and that too a sword of honor दोस्तों, वो होता है, जैसे अनुभव तौर पे जो हमारे civilian जो लोग देख रहे हैं उनको मैं समझा दूं, जैसे स्कूल में एक head boy होता है ना, head boy, school captain, वैसा होता है academy cadet adjutant, academy under officer, sword of honor, जो top करता है, जो कि शाहरुख खान ने किया था वो इन सेंट कोलंबस स्कूल में, सॉर्ट ऑफ ऑनर थे वो उस तरीके से। संजय प्लीज गो ऑन, बड़ा दिलचस्प, मजा आ रहा है भाई सुनने में। तो देयर इज सम कनेक्शन, उस दिन कमांडेंट आए हुए थे, एंड एंटायर दैट टॉप अप टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी देयर। मुझे जब लेके जा रहे थे तो आई वाज एक्चुअली नॉट इन सेंसेस, इट वाज माय बेसिक इंस्टिंक्ट व्हिच वाज वर्किंग एक्चुअली।
आई वॉज जस्ट डूइंग समथिंग विच प्रोबेबली बेसिक इंस्टिंक्ट ट्रिगर कर रहे थे, तो जब मुझे लेके जा रहे थे तो कमांडेंट की तरफ ले गया जो बोला जा रहा है, तब बताया मुझे, और मैंने धक्का मारा, आई विल डू इट, लीव मी, मैं करूंगा, मुझे मत ले जाओ, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे मुझे बताया गया कि आपने कमांडेंट को भी धक्का मार दिया। ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद तो मुझे MH में होश आया, मिलिट्री हॉस्पिटल में, लेकिन वो दिन मुझे बहुत इसलिए भी याद रखना है क्योंकि उस दिन के जो ख्यालात है या जो भी मेरे दिमाग में आया, आई हैव पुल्ड डाउन माय कंपनी, मैंने अपनी कंपनी को फेल किया, एक कंपटीशन में आई हैव फॉलन डाउन, वो शाम तक, क्योंकि दोपहर में मुझे छोड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल ने, थोड़ा सा वॉट एवर डिहाइड्रेशन वॉज देयर, और ये जो फ्यूम्स की वजह से हुआ था, मैं शायद 4 बजे के करीब वापस अपने बैरक्स में आया, एंड बाय दैट टाइम इवनिंग में, बाई इवनिंग जब सब लोग आए, तो आई वॉज नॉट एबल टू शो माई फेस क्योंकि कंपनी का डिसग्रेस टाइप आई फेल्ट। तो इवनिंग में आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस, तो कैप्टन राकेश शर्मा जब बैरक्स में आए उस दिन इवनिंग में, तो आई वेंट टू हिम, आई वॉक्ड अप टू हिम एंड आई कन्फेस, सर सॉरी सर, बिकॉज ऑफ मी अपनी कंपनी का आज निगेटिव मार्किंग और वट एवर, वन पर्सन कुड नॉट डू कम्प्लीट दैट कॉम्पिटिशन। तो ही गेव अ पैट ऑन माई शोल्डर बैक एंड सेड, ACA एकेडमी का मोटो क्या है, टू ट्रेन यू फॉर फाइटिंग वॉर। तुमने क्या किया वहाँ पे आज, यू मे नॉट बी नोइंग, तब तक मैंने किसी से डिस्कस ही नहीं किया था क्योंकि आई फेल्ट अशेम्ड। तो ही सेड कि वी वॉन्ट टू ट्रेन यू टू बिकम अ सोल्जर, अ लीडर, एंड यू शोन योर बेसिक इंस्टिंक्ट, यू आर नॉट मूविंग आउट डिस्पाइट, वी ऑल न्यू दैट यू आर नॉट इन सेंसेस, यू आर नॉट लीविंग दैट फील्ड एंड अंटिल यू फेल डाउन फाइनली। That is what is our aim of training, and you are passed in that. Now connecting this incident to that sort of honor interview when 5 people were scrutinized and 5 logo ka filtration hua tha us din, and I literally speaking, mujhe academy se koi jyada ummeed thi nahi, ACA ban gaya ya AEO ban gaya ya baad mein sort of honor ho gaya, this is all something which is beyond my dreams and imagination. Mujhe कुछ नहीं पता था ये सब होगा, ये सब क्या होता है, इवन आर्म्स भी नहीं पता थे क्योंकि सोचा नहीं था, इट वॉज सो सिंपल। और सॉर्ट ऑफ ऑनर इंटरव्यू के दिन जब कमांडेंट ने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन कमांडेंट ने पूछा था, वहाँ पे पैनल होता है कमांडेंट एंड देन डिप्टी कमांडेंट, एकेडमी एडजुटेंट एंड देर आर मोर दिस बटालियन COs, एंड आई थिंक 6-7 people वेर सिटिंग। तो कमांडेंट आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, ओके ACA, हाउ डू यू फील the training in OTA. So I remember this answer, which is my, probably that was an instantaneous answer that day. Sir, OTA training, I can just sum up. It is at the end of the day, sweet pains with sweet dreams. So he laughed. He gave a very interesting laugh. So mujhe bada ajeeb laga, unhone jo laugh diya, whatever reaction he gave. Aur baakiyon ne phir jo bhi questions puche, and at the end, sort of honor announced, करते नहीं है इमिजिएटली, इट वॉज आई थिंक 1 day इवनिंग प्रायर फिर बताया गया कि सॉर्ट ऑफ ऑनर, बट नाउ आई फील दैट डे वॉट एवर कमांडेंट एंड वॉट एवर पीपल ऑन दैट मार्च एंड शूट डे सॉ इट प्रोबेबली गेव सिंपैथी, आई डोंट नो, बिकॉज पीपल डिजर्व, टेकाउडे वॉज देयर, आई थिंक लेडी कैडेट्स में हाँ अतुल अतुल वॉज देयर, एंड आई डोंट नो हार्मिक वॉज देयर, फिर हर्मिक हमारा BCA था, बटालियन कैडेट एडजुटेंट, एंड ही वाज माय बडी, वी हैव अ बडी सिस्टम हर एक किसी का। तो अच्छा एक चीज और, ही वाज माय बटालियन इन एवरीथिंग एंड आई वाज आल्सो एक्सेलिंग इन एवरीथिंग बट फ्रॉम बिहाइंड, और संजय और मेरी बहुत सिमिलैरिटी है। ये भाई देखो आपको बताओ सिमिलैरिटी क्या है, संजय यू रिमेंबर द फर्स्ट डे जब एंटी रूम में राका आया था, राका मतलब कंपनी प्लेटून कमांडर राकेश शर्मा, मैं भेजूंगा सर को और मैं फ्रंट रोल करने को तैयार हूं वैसे इसके बाद, क्योंकि हिलते बड़ी जोकर कॉलिंग मी राका, ओके तेरी है। तो राका हैड कम टू द एंटी रूम एंड दैट टाइम विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव एंड एडोरेशन, आई ट्रस्ट मी गाइस, दो आई एम सेइंग राका बट ही वाज बिकॉज आई एम विद माय कोर्समेट, बट वी रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही वाज लाइक अ फादरली फिगर, we really respect all our instructors, all our officers, a real lord dil se, matlab aaj bhi, aaj hum service mein nahi hai dosto, lekin aaj bhi agar wo bolenge bhi front on maar dunga unke naam pe, sach mein
मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, सो यू रिमेंबर एंटी रूम में हम सब अपने टाई वाई पहन के वहां बैठे हुए थे, और यू रिमेंबर दैट विलियम शेक्सपियर जब शुरू हो गए थे, अभी सम टाइम बैक ऑन द फोन यू वर रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट, लेट्स बोथ सुनते हैं थोड़ा कि दिल से दिल सब किस किस्सा टू मेक इट अ लाइटर साइड। मैं तो ऑडियंस को या व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अली वॉज मीन्ट फॉर समथिंग, प्रोबेबली ही इज येट टू गेट दैट ड्यूज। ये एक नेचुरल एक्टर है, एक सिंसियर सोल है। यस यस, उसके ग्लिम्सेस हमने एकेडमी में देखे और हमें लगा कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। आई एम नॉट टॉकिंग इवन बॉलीवुड, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड। ही नेचुरली हैज समथिंग प्रोबेबली फ्रॉम हिज अंकल्स जीन्स, वो है अली में, एंड आई स्टिल फील ही मस्ट गो ऑन इन दिस फील्ड, क्योंकि उसने जो शेक्सपियर का ड्रामा करके दिखाया, हमें तो बिलीव नहीं हुआ कि ये कैडेट है हमारे साथ, बिकॉज इट वॉज सो पॉलिश, सो नेचुरल, एंड द कॉन्फिडेंस लेवल प्रोबेबली वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि ये किसी एक्टर में भी कम नजर आएगा ऐसा इसका कॉन्फिडेंस लेवल। वट एवर आई हैव सीन अलीज ऑल दोज एक्ट्स is mesmerizing. It is very interesting, Ali. You are yet to get your dues. That's what I want to say. Sanjay, you know, एक चीज और, जब अकेडमी में जब हम फर्स्ट टर्म में थे ना, तो मैं जब डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता मैंने, और मैं अपनी लाइनें भूल गया था एक्चुअली यार, डिबेट फर्स्ट टर्म में भाई, I was a very confident debater all my schooling, college, and probably यहाँ पे रगड़ा भी ज्यादा मिल गया, I don't know क्या हुआ, तो सीनियर ने बड़ी भूत बना दिया रात को, तो जब मैं स्टेज पे गया तो मैं समझ में आया क्या बोलूं, and I saw Captain Amitabh Kumar looking at me, because एक दिन रात को मैं rehearsal की थी उनके साथ में एंटी रूम में, और उन्हें बोला भाई जबरदस्त, you will win the competition, you are too good, ऐसे मैंने जोश बढ़ा दिया, मैं was very happy। अब जब मैं स्टेज पे गया तो मैं लाइनें भूल गया, और जो कोको थे, कोको मतलब कंपनी कमांडर है, तो कल जे सोडी, ब्रिलियंट ऑफिसर, वेरी स्मार्ट ऑफिसर, आई एम स्टिल इन टच विद हिम, इन फैक्ट आई एम टच विद ऑल माय डीएस, ऑल माय इंस्ट्रक्टर्स, एंड सो आई सॉ कोको लुकिंग एट मी, तो भैया अलग नाम थे हमारे इंस्ट्रक्टर्स के, अब क्या नाम ले यहाँ पे, तो अब मैं घबरा गया, भैया कोको देख रहा है, अब क्या करे भाई। उसके बाद मैंने कसम खाई भाई, सोना अपने सेकंड टर्म आई वॉन अ प्राइज फॉर डिबेट from general avasthi from the yes, commander in fact yes very hai na to bhai ek time pe main us time mein bhai magar maine kaha bhai chalo kam se kam kahin pe to company ki izzat maine rakhi kahin pe to matlab it was like really matlab kya din the wo aur main baar baar yahan pe hamare coachmate hain khas coachmate jo abhi police mein aa gaye hain aur wo bahut hi acha kar rahe hain unka naam hai amroz singh amroz bahut hi badhiya shandar cadet hai विक्रांत गुलानी, खैर उस पर भी आएंगे बाद में अमरोज। पट्टी केविन कवर्ड वॉज, संजय बताएंगे हमको केविन कवर्ड के बारे में, आप मानिए मैं हॉस्पिटल में भाग गया था एडमिट होने केविन कवर्ड के टाइम पे, बताइए केविन कवर्ड के बारे में। ये एक बेसिक कल्चर है फौज का, कि इंटीरियर इकोनॉमी या कीपिंग द क्लीनलीनेस, थिंग्स इन ऑर्डर, ये एक आपका स्वभाव बनता है धीरे धीरे, जब आप चीज़ें ठीक से रखते हैं, डिसिप्लिन, ऑर्डरलीनेस, ये चीज़ें आपको शायद करवा करवा के आपके जहन में घुसती है, तो आपका जो बेड है, आपका कबोर्ड है, इसमें चीज़ें रखने का एक तरतीब है, जो आपको जाते ही समझाया जाता है कि ऐसी ही चीज़ें रखी जाएगी, और हर दिन आप जब बैरक छोड़ रहे हो उस समय वो वैसा ही होना चाहिए, और कैबिन कबोर्ड अगर इंस्पेक्शन है इट कैन बी एट एनी टाइम। और फिर अली व्हाट ही इज मेंशनिंग, अली का कैबिन कबोर्ड काफ़ी बार हमें करना पड़ता था, बिकॉज ही वॉज लिटल what I can say, he was lethargic on that. No, बात करो, सोचो अपने घर में बैठे हुए हो, बल्कि बिंदास बात करो, कोई बात नहीं, I don't mind.
आई डोंट माइंड, इट्स अ जैसे वेरी कैंडिड अली, कन्वर्सेशन. हाँ अली वॉज सेइंग कि एमएच चला गया. यस, तो उसके पीछे आपके बैरक में जितने भी कबोर्ड है या बेड्स है आपको रखने हैं, वेदर द कैडेट इज देयर और नॉट, वेयर इज दैट इज इमटेरियल. तो बाकियों की जिम्मेदारी बनती है वहां पे रखना. तो वो एक रहता था इशू अली के साथ, कैबिन कबोर्ड, एंड उस पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, पूरा रगड़ा मिलेगा, पूरी कंपनी सफर करेगी, पूरी प्लाटून सफर करेगी. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स. एंड अब लगता है कि व्हाई इट इज देयर, इट इज देयर टू शेप यू, टू नर्चर यू, टू मेक यू मोर डिसिप्लिन, मेटिकुलस एंड नो कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट इज हाउ योर नेचर बिकम्स. एब्सोल्युटली दोस्तों, एकेडमी में ऐसा नहीं है कि भाई कि जो ग्लैडिएटर है जो दौड़ने में लाइक रूट मार्च होती है हमारी, 14 हमें 40 किलोमीटर की रूट रूट मार्च मतलब दौड़ना, जोश रन उसको कहते हैं, 40 किलोमीटर जोश रन. उसमें ऐसा नहीं है जो ग्लैडिएटर होता होगा जो बड़ा तगड़ा होगा वो उसको प्राइज मिलेगा, ना पूरी कंपनी को इकट्ठा क्लोजिंग करना है. तो ये नहीं कि जो पहले आ गया है, टाइमिंग होगी जो आखिरी में आ रहा है, सबको साथ लेके जाना होता है, सबको इकट्ठा. And that is where the company closing time starts. Clock होता बोलते हैं. Sanjay, let's hear some fond memories that you have of OTA, भाई. OTA के मेमोरीज आर मेनी, और उसमें मोस्टली विथ फ्रेंड्स, जो आज वेदर वी आर नॉट सर्विंग और सम ऑफ देम आर लेफ्ट, वी हैव लेफ्ट, बट लाइक अमित कन्वर, ही वॉज SEO इन आर कंपनी. अमित इन द टोवर्ड्स द एंड हैड सेड फनीली, थोड़ा सा हंसते हुए, अरे यार मैं ACA AEO बनना चाहता था, और हम लोग SSB मेट्स हैं. तो मुझे उस दिन लगा कि ही ऑल्सो डिजर्व अ लॉट. ओनली थिंग एकेडमिक्स का वॉट अली वॉज मैंशनिंग, उसका फर्क पड़ा, जो मुझे शायद एयरफोर्स की वजह से जो एक आदत लगी थी पढ़ने की, उसका फायदा हुआ. और अमित डियर फ्रेंड इज डूइंग गुड, आई थिंक सेना मेडल बार, और आई थिंक मोर, आई थिंक बार बार. ही इज प्रेजेंटली, वाह हाँ, ही इज अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ आवर कोर्स. तो ये पल मुझे बहुत कुछ बताते हैं कि वेन यू वेंट देयर विद अ प्लेन माइंड एंड प्लेन हार्ट, नो विशेष, नथिंग, इट टेल्स मोर अबाउट दैट अकेडमी. कितनी ट्रांसपेरेंट है ये अकेडमी, कि एक स्मॉल लेवल का GC जब उसको फाइनली अवार्ड सेरेमनी में आगे खड़ा करते हैं, तो इट स्पीक्स हाई वॉल्यूम्स ऑफ दैट ट्रांसपेरेंसी एंड वॉट एवर जजमेंट सिस्टम्स आर देयर. नॉट दैट आई गॉट इट एंड आई वॉन्ट टू प्रेज इट, इट इज न्यूट्रली इफ यू सी. आई नेवर वॉन्टेड, आई नेवर ट्राइड ऑल्सो. तो मुझे अब लगता है कि वॉट अ ब्यूटिफुल सिस्टम इज देयर इन अकेडमी. अनदर थिंग अबाउट द DSS, ऑल DS, वॉट अली वॉज मैंशनिंग सम टाइम बैक, कि हाउ दे मोटिवेट यू एंड हाउ दे कीप यू हाई इन योर माइंड्स. लाइक मुझे जब मार्च एंड शूट का याद आता है, तो मुझे DS ने कैसे अलग तरीके से समझाया कि दिस इज हाउ यू आर ट्रेन एंड यू आर डन योर जॉब. सो मेनी मेमोरीज अली, मेनी, बिकॉज स्विमिंग स्विमिंग इज वॉज माई वॉटर अरे गेम वॉज. अरे यस, दिस यू मस्ट टेल भाई. एक बार मैं और कह दूं कि भाई संजय वाज इन द वीक स्विमर कैटेगरी, जो वीक स्विमर होते हैं जो जिनको तैरना नहीं आता, बट देन ही पास्ड आउट एंड यू नो ही स्वैम लाइक अ बिल्कुल तैराक, बिल्कुल जो, एंड इमेजिन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर. दोस्तों ये कहानी हमको बताती है, अगर आपने दिमाग में ठान, दो ही नेवर प्लान, ही ऑलवेज वांटेड टू डू वेल, ही डिडंट कम्पीट विद एनीबॉडी कि ये अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, ही कम्पीटेड विद हिज ओन सेल्फ. उसको लगा भाई अच्छा मेरे को तैरना नहीं आता, ठीक है मैं तैर के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया. भाई आप जानते हैं दोस्तों, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर कितनी बड़ी बात होती है. वो एक जिंदगी भर के लिए एक ऐतिहासिक तौर पे एकेडमी में भी आप जाने जाते हो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के नाम से. आप केवल कोर्स नहीं, वी लाइक वी आर SS 76, तो ओ संजय सुनाव ने इस कोर्स, तो वो एक बेंचमार्क बन जाता है, वो एक बिल्कुल दैट इट बिकम्स. सो इमेजिन अ बॉय, अ कैडेट हु कुडंट स्विम, हु डिड सो वेल, हु वर्क वेरी हार्ड, हु इन इवेंचुअली केम अराउंड द टॉपर्स एंड हु वाज द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर. सो यस संजय प्लीज गो अहेड. स्विमिंग वॉज माई वाटरलू, बाकी सब तो टेस्ट मुझे बहुत ही ईजी, लिटरली मतलब कुछ भी वाटरलू, डिफिकल्ट लिटरली वाटरलू. नहीं. एंड मुझे एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन याद है. मैं ACA था और डेली एकेडमी एडजुटेंट को रिपोर्ट करता था.
तो ये स्विमिंग का जब भी क्लास होता था तो मुझे बहुत दुख दुख रहती थी, और वो क्लास खत्म होने के बाद ही मुझे वो थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि आता ही नहीं था स्विमिंग, तो वेदर इट इज रूटीन क्लास और टेस्ट, तो पास हो गए दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया टेस्ट का स्विमिंग का, तो मैं एकेडमी एडजुटेंट के पास एज यूजुअल आफ्टरनून में रिपोर्टिंग होती है अबाउट एकेडमी, तो गया तो थोड़ा सा नजरें मिला नहीं पा रहा था, एंड आई कन्फेस्ड कि सर आई फेल्ड इन स्विमिंग। तो ही जस्ट सेड अनहर्ड एसीए फेलिंग इन टेस्ट। तो इट वॉज जस्ट अ मैसेज, बट अ वेरी स्ट्रांग मैसेज, एंड इट पिंच्ड मी। ही डिड नॉट से मच, ही गेव अ स्माइल ऑल्सो एंड जस्ट सेड अनहर्ड एसीए फेलिंग इन अ टेस्ट। तो आई कुड नॉट ईट दैट डे, आई कुड नॉट रेस्ट दैट डे, एंड देन आई सेड कि आई विल समहाउ, इनफ इज इनफ, एंड देन आई पास। प्रोबेबली दीज आर द मोटिवेटिंग थिंग्स विच एक्चुअली टीचेस यू फॉर लाइफ लॉन्ग कैरेक्टरशिप, बिकॉज द डीएस देर आर द रिफाइंड लॉट ऑफ ऑफिसर, बिकॉज दे कम देर विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर द स्पेशली चोजन वन, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेन दे आर ट्रेनिंग द कैडेट्स, एंड दैट टाइम वी प्रोबेबली डोंट अंडरस्टैंड इट, बट नाउ वेन इन हाइंड साइट पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कितने बढ़िया हमारे ऊपर मेंटर्स थे, और जिनके एक एक शब्द की वजह से हम बदले हुए हैं। You're talking about Kanwar. He wanted to be Kanwar. Amit Kanwar is he his brother also is his brother also has joined the army. And हमारे एक कोर्स में था, तो दोनों भाई एक ही कोर्स में थे. His father also was from the Punjab Regiment. He Punjab Regiment में Yes. थे. Of very good officer, very very good officer. अब भाई बात ऐसी है कि इसमें हर कोई कैरेट चाहता है एक तरीके से, कहीं ना कहीं सीक्रेट एम्बिशन कि भाई मैं जब पास आउट हूं पासिंग आउट परेड में, हाथ में राइफल होती है कैरेट्स के, और जैसे कि मैं कैरेट था वहां पे आफ्टर माय फर्स्ट टर्म, उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट आई डिडंट कंटिन्यू बिकॉज़ मेरी डीएसटी क्लियर नहीं हुई थी बार 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 बार, तो उसमें भी आएंगे, और हाथ में भाई तलवार हो, भाई जो जेयू होता है जूनियर अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर या यो बीसीए, उनके हाथ में होती है तलवार, ठीक है, और जो अकेडमी कैडेट एजुटेंट हो गया, अकेडमी अंडर ऑफिसर हो गया, जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हो गया, उनके पास तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर स्वॉर्ड ऐसी। और भाई मैं अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक राज की बात क्या, वो जिन लोगों ने मेरी जो स्टॉक देखी होंगी मालूम होगा कि भाई अकेडमी में डीएसटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई है, सारे कैडेट्स घर गए, संजय भी घर गए अपने, सब लोग घर गए, सब ने बैग लेके जा रहे हैं, बैरक्स में पैकिंग कर रही है, मगर मेरे को अनुमति इजाजत परमिशन नहीं मिली घर जाने की, मैं अकेडमी में ही रुका रहा, और मेरे को एक्स्ट्रा ड्रिल्स दिए गए, मेरे पास रिस्ट्रिक्शन से रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट करने को था, पनिशमेंट थे, तैयारी करी उस टेस्ट की, चौथे अटेम्प्ट में जब अकेडमी खुली सब वापस आए रिफ्रेश रिजुविनेटेड, मैं भाई अकेडमी में रुका रहा, चौथे अटेम्प्ट में फेल, पांचवे अटेम्प्ट में फेल, छठे अटेम्प्ट में फेल, फिर मेरा मार्चअप हो गया कमांडेंट के पास, जनरल अवस्थी साहब के पास, एडजुटेंट मार्चअप तो आम बात होती है, ठीक है, आम बात नहीं वो भी बड़ी बात होती है, मगर अकेडमी आप कमांडेंट के साहब के साथ में व्हाइट हाउस में मार्चअप हो रहा है भाई, बहुत बड़ी बात थी। अब वो बोलते हैं बेटे तुम बार बार बरकरार रख रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट फेल हो रहे हो डीएसटी में, क्या बात है। तो मैंने बोला सर रेकी फॉर माय ट्रेनिंग, माय फादर सेड सन डू वेल इन एकेडमी मेक अस प्राउड बट ऑलवेज कीप योर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट, इसी के लिए खूब हंसे। फाइनली यानी मैं धक्के मक्के मार के पुशअप्स लगवा के 100-200 पुशअप लगा के डीएसटी मेरी पास हो गई, एंड आई हैड अ मिलिट्री बेयरिंग, मेरे को भी कहीं ना कहीं संजय कन्फेसिंग टू यू जहन में पब्लिकली कन्फेसिंग टू यू, भाई मुझे लगता था कि भाई मैं 6 फुट का लंबा सांड हूँ, पेट अंदर है, थिएटर करके आया था मैं फौज में, तो वर्ड ऑफ कमांड में बोलूंगा परेड तो धार जाऊंगा वहां पे, अच्छा अगर परेड कमांड करने को मेरे को मिल जाए तो भाई क्या झंडे गाड़ूंगा, कहीं ना कहीं दिल में हर किसी के कैरेट के होता है, तो मेरे भी दिल में था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी वेन यू लेट द परेड संजय, आई वॉज ट्रूली वेरी हैप्पी, योर वर्ड ऑफ कमांड was solid, your drill was solid, exemplary. So tell me when you started practicing for leading the parade, drill square ground में, तब मैं बाहर खड़ा हुआ होता था parade के वहां पे, और मेरे को उस्ताद लोग कहते थे यू खड़े हो जाओ कंपनी के आगे बोलो ए मैं बॉन्ड हूं तुम लोग, मैं वो वर्ड नहीं लूंगा मगर मैं ढक्कन बोलूंगा अभी, तुम लोग ढक्कन हो, समझ गए ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं बॉन्ड हूं तुम लोग ढक्कन हो, कि तुम लोग रड़ा खा रहे हो पसीना बहा रहे हो,
परेड में, और मगर इट वॉज मेंटल टॉर्चर, आप समझ सकते हैं मेरे दिल में क्या बीत रही होती उस टाइम पे। खैर अल्टीमेटली जो परेड, पासिंग आउट परेड जो संजय ने लीड करी, भाई मैं थोड़ा दुखी हूं इस बात का कि भाई उस परेड में मैं शरीक नहीं हो पाया था। आई वॉज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द पासिंग आउट परेड। आई वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ ओनली फ्यू कोर्समेट्स हु वॉज नॉट गिवन परमिशन टू टेक पार्ट अलॉन्ग विद द कोर्स के अंतिम पग से गुजरे परेड में। तो इट वॉज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी। बट एनीवे, सो लेट्स कम टू द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर द परेड। Ali, I will confess today. Yes, yes. Ali, I will confess today. I don't know, हमारे कोर्समेट्स को भी शायद पता नहीं होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। जब ये कोर्स की पासिंग आउट परेड होती है तो वहाँ पे उस्ताद फिल्टर करते हैं परेड कमांडर के लिए, और उसमें जनरली अपॉइंटमेंट में से देखते हैं हु इज लिटिल टॉल और वर्ड ऑफ कमांड। तो मुझे याद है शुरू में आई वॉज नॉट इन पिक्चर एंड आई नेवर वॉन्टेड टू बी बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी टॉल, आई एम एवरेज हाइट। तो एक दिन मुझे अकेडमी एडजुटेंट के सामने जब ये डिस्कस हुआ, बिकॉज सुबेदार मेजर ऑफ अकेडमी ऑल्सो रिपोर्ट्स ड्रिल वाले, तो मैंने एक पर्ची वहां पे पुटअप की थी जिसमें भगवान सिंह राठौर, सो सुबेदार मेजर मोहम्मद हुसैन साहब बड़ी बड़ी मुझे थी, वो थे सुबेदार मेजर एकेडमी के, और कर्नल अलावत, तब मेजर अलावत थे, उनके एक सफेद घोड़े पे एकेडमी एडजुटेंट आता है, व्हाइट जूलियस घोड़े का नाम था, और परेड में आके, और डीएसटी बार बार वो ये एकेडमी में एडजुटेंट मेरे को फेल फेल फेल, ओके नाउ गो अहेड गो ऑन। तो उस दिन मैंने कुछ नाम पुटअप किए थे बिकॉज थोड़ा सा आई थिंक उनको वो हो रहा था कि परेड कमांड एक्चुअली किससे करवानी है कॉम्पिटिशन। तो मैंने नाम दिए थे एससीओ नौशेरा भगवान सिंह राठौड़, अभी ही इज आल्सो डेमो 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 ऑफिसर डेमो, मतलब यस भगवान सिंह राठौड़ जो हुकुम हमारे दोस्त हैं उन्होंने पूरी कंपनी को बांध रखा था। जिस तरीके की यूनिटी थी नौशेरा कंपनी में, वो एक दूसरे के गड़बड़े बचाते थे। पता है संजय, परसों मतलब कल 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 शाम कल रात को मेरी बात हुई मेजर निर्मित ठाकुर जो पैरास के ऑफिसर है, वो SS-74 के एईओ थे, थे और वो डिटैब हो गए थे वहां पे। क्यों वो डिटैब हुए थे दोस्तों, उनकी कहानी में बताऊंगा, उनको भी मैं शो पे लेके आऊंगा, उनसे मैं बात हुई थी। वो डिटैब इसलिए हुए थे, दरअसल उनका जो कोर्स था, उनकी जो कंपनी थी वो दौड़ी थी, वो मैकेला कंपनी में था, वो दौड़ी थी कैंप शत्रुजीत में, जो ईट होती है ना, ईट पिट्ठू पपलू, उसके बदले में थर्मोकोल लेके भागी, और उनकी गलती नहीं थी, मगर उन्होंने इल्जाम अपने सिर पे लिया, उन्होंने बोला ये गलती मेरी थी, मेरा आइडिया था, उनको डिटैब कर दिया गया। क्यों? अगर वो नाम लेंगे, इल्जाम लेंगे तो वो रैंक जाएगी केवल, डिटैब होएंगे, और कोई इल्जाम लेगा तो 6 महीने सीनियोरिटी डाउन होगी। तो ये होती है स्ट्रेंथ, ये होती है यूनिटी। अब इस तरीके का भाईचारा, इस तरीके का ब्रदरहुड आप बताइए दोस्तों कहां मिलेगा? फौज के अलावा सिविल में जाएंगे तो एक दूसरे का गला काटने में लगेंगे दुनिया, और यहां पे एक दूसरे के लिए मरने के लिए जान देने के तैयार है। कैप्टन विक्रम बत्रा साहब जब वो शहीद हुए थे, अपने साथी की जान बचाते हुए उनको गोली लगी थी, तब वो शहीद हुए थे। मगर बाहर आप आते हैं, उस पे भी हम आएंगे, तब आप देखिए दुनिया एक दूसरे का गलत। ओके एनीवे गो ऑन सुन आपने, गो ऑन। यस अली राइट, वी आर प्लेन एंड सिंपल स्ट्रेट इन एकेडमी। तो मैंने नाम पुटअप किए थे नौशेरा एसईओ भगवान सिंह राठौड़ फॉर हिज ड्रिल, ही वॉज गुड इन ड्रिल। अनदर वॉज अमित कन्वर, ही वॉज फर्स्ट टाइम डीएसटी क्लियर फ्रॉम आर कंपनी, ही वॉज डेमो इन बिकॉज एनसीसी बैकग्राउंड और वॉट एवर, ही वॉज टू गुड इन ड्रिल। थर्ड नेम वॉज ऑफ हरमिक सिंह, दो ही वॉज नॉट गुड इन ड्रिल बट ही वॉज टॉल, बिकॉज अकेडमी के सामने खड़े हो तो एक टॉल पर्सनैलिटी और अच्छी लगेगी, तो उसका नाम दिया था। एक और नाम मैंने बोला था प्रमिला मोहिते का, बिकॉज सी हैड कमांडेड ऑन राजपथ एनसीसी कैडेट्स को, तो उसकी ड्रिल भी बहुत अच्छी थी। एससीओ प्रमिला मोहिते, शी वाज द लेडी कैडेट एंड शी वाज द एससीओ ऑफ द लेडीज के, तब जोजिला कंपनी थी, अब फ्लोरा कंपनी हो गई है। अभी हाल ही में किसी ने मेरे से पूछा कि भाई कौन सी कंपनी में थे ओटीएम में, तो मैंने कहा भाई मैं फ्लोरा कंपनी में था, तो हंसने लगे मेरे पे, मैं क्यों हंस रहे हो, इसने हंसने की क्या बात है, फ्लोरा कंपनी लेडीज कंपनी है ना, मैं एलसी कंपनी अब हुई है, हमारे टाइम पे नहीं थी, हमारे टाइम पे एकेडमी के बाहर थी। ओटी अगर जो कोई गया है चेन्नई तो एकेडमी का गेट है, उसके बाहर जाके मिलिट्री हॉस्पिटल है, उसके बाजू में है, उसके ऑपोजिट है फ्लोरा कंपनी। तो इट वॉज अ टफ कंपनी बिकॉज हम लोग एकेडमी के बाहर, हमको टाइम भी वेकअप करना है और तैयार भी होना है,
अलग रिग था, पीटी रिग, ड्रिल्स रिग, ये वो पढ़ाई का रिग अलग, कॉम्बैट का रिग अलग, उस तरीके से तो बाहर जाते थे हम लोग। ओके सर, गो ऑन भाई, सो सॉरी। इसीलिए फिलोरा वॉज टफर कंपनियाँ, बाहर से डबल ट्रेनिंग हो रही थी। तो आई गेव फाइव नेम्स इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। फिफ्थ नेम वॉज आई थिंक ऑफ अतुल टेकाड़े, बिकॉज ये लोग भी प्रैक्टिस कर रहे थे, ही वॉज बीओ। तो मेरा अपना नाम नहीं दिया था, बिकॉज आई नेवर फेल्ट कि आई डिजर्व देयर, बिकॉज माई ड्रिल वॉज नॉट वेरी गुड। बट हुआ कुछ ऐसा मॉडेस्टी मॉडेस्टी, कि एनीवे गो अहेड, मॉडेस्टी, हम्बल, इट वाज गुड। हार्मिक वॉज नॉट इंटरेस्टेड, हार्मिक वॉज नॉट इंटरेस्टेड, एंड स्लोली स्लोली फिल्टर हुए। एंड टिल देन अपने कोर्स तक किसी लेडी कैडेट ने कमांड नहीं किया था, नेक्स्ट कोर्स में हो गया, तो अपने कोर्स तक नहीं हुआ था। एंड आई थिंक राठौड़ के केस में ओनली थिंग वॉज गोइंग अगेंस्ट हिम, बिकॉज उसका शायद एकेडमिक्स रिकॉर्ड ठीक नहीं था, उसको कोई मेडल नहीं मिल रहा था। तो व्हाट एडजुटेंट गेव मी आफ्टर 3-4 डेज, मैंने जब बोला कि सर इनमें से ही करते हैं, बिकॉज आई वॉज इन एडवाइजरी कैपेसिटी ऑल्सो फ्रॉम द अकेडमी साइड, तो उन्होंने मुझे जस्ट हिंट दी इनडायरेक्ट, नॉट इन डायरेक्ट टर्म्स, कि बोला यार प्रापक आगे बढ़। ये बोलने के बाद द परेड कमांडर ऑल्सो हैज टू रिसीव समथिंग, दैट वॉज द कैच। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट राठौड़ मिस्ड, मे बी वट एवर आई कुड अंडरस्टैंड। तो उसके बाद इफ पीपल रिमेंबर करेक्टली, अपने कोर्स के एक दिन पहली बार जब एकेडमी एडजुटेंट केम फॉर रियल रिहर्सल अपना घोड़ा लेके, वो आते थे देखते थे, बट एक रिहर्सल के लिए आया, और उन्होंने अपने गेट के पीछे जो मॉर्निंग की ब्रीफिंग होती थी बिफोर वी एंटर दी कोर्स, और हम परेड ग्राउंड, और दो प्रैक्टिस करते थे प्रैक्टिस के दिनों में, 20-25 दिन जो प्रैक्टिस की हमने उसके बाद। तो उस दिन उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया कि एंड दैट डे टू प्रैक्टिस, दो लोग करते हैं, एक बार एक करेगा दूसरा। तो उस दिन दो सिलेक्ट हुए थे, मैं और प्रमिला मोहिते। तो दैट डे ही हैड अनाउंस्ड दैट इफ यू पीपल वॉन्ट, ओटीएस हिस्ट्री विल बी चेंज्ड, फर्स्ट टाइम अ लेडी कैडेट विल कमांड अ परेड हियर। तो फॉर मी इट वॉज ओके थिंग, बिकॉज सी डिजर्व मोर देन मी, एंड हर ड्रिल वॉज गुड, सी More than हैड you, okay. That's modesty, okay. Go on. सी हैड इनफ टैलेंट इन दैट देखो, ये भी दैट एक क्वालिटी आप सीख ली है हमारे फोटो ओनर से, मॉडेस्टी, कि अपनी तारीफ नहीं करना भाई। ठीक है, गो ऑन। बट देन आफ्टर दोज प्रैक्टिसेस, जब फिलोरा के लाइंस में अपने बैरेक्स में, मुझे कुछ दोस्तों ने बोला यार तू अच्छा तैयारी कर, और व्हाई डोंट यू गिव योर बेस्ट, अब तो तू और वो है बस, दो फाइनलिस्ट है, मतलब समथिंग लाइक दैट वाज द मैसेज। तो मुझे दो चार लोगों ने मोटिवेट किया, और अपने को फिलोरा कंपनी के, एंड इट वाज इन दोज चाइल्डिश डेज, वी वर चाइल्डिश ओनली, कि एक लड़की की कमांड में हम कैसे करें, दैट वॉज ऑल्सो सटन मैसेज। बट ठीक है, वो तब हम बच्चे ही थे एक तरह से, एकेडमी में वी वेर नॉट मैच्योर, तो वो वाला, बिकॉज ओटीए में तब तक किसी ने कमांड नहीं किया था लेडी कैडेट्स ने। तो लेकिन उस दिन के बाद आई ऑल्सो फेल्ड कि इफ दे आर ट्रस्टिंग मी, स्पेशली उस्ताद एंड अकेडमी एडजुटेंट, इफ दे आर फीलिंग आई कैन डू, तो आई मस्ट डू इट। यू विल नॉट बिलीव अली, उस दिन से मैंने एक जो प्रैक्टिस की दैट वॉज माई बेस्ट फेस। मैं पेड़ पे, आई थिंक अकेडमी में शायद ही एक दो लोगों को ही पता होगा, जो हमारे वो बाहर के वो जो अबेंडन एरिया था ना, वहां पे पेड़ की टहनियों में मैं उल्टा लटक के अपने पेट से आवाज निकालता था रात में। वाह, और उसके बाद मुझे अपने जो उस्ताद थे, दक्षिण साहब, यस दशरथ यादव साहब, जब मेरी एक दो हफ्ते दशरथ में यादव आवाज साहब, ऐसी इंप्रूव हुई, मैंने ब्रेकफास्ट भी मिस किया उन दिनों, मेरी हालत और खराब हो गई थी, बिकॉज आई थिंक डाइट पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर गया, कुछ भी ऑयली नहीं खाता था, अदरवाइज ट्रेनिंग में तो कुछ भी खाओ, पत्थर भी खाओ तो पच जाएंगे। तो वो जो फेज है 15-20 दिन का, मेरा इको आता था, माइक नहीं होता था ओटीए में, और वहां से इको आता था पेड़ों से, जंगल से, परेड ग्राउंड के बाहर से। तो दशरथ यादव साहब जो अपने वो थे ड्रिल उस्ताद, उन्होंने एक दिन मुझे बड़ा दिल से बोला कि मैं बहुत खुश हूँ आपने इतना मेहनत करके, ये जो इको आ रहा है, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, तब तक मुझे नहीं पता था वो आवाज आती थी। अब शायद एकेडमीज में माइक रखते हैं, जहाँ परेड कमांडर खड़ा होता है वहां माइक होता है, लेकिन मुझे वो रियलाइज हुआ कि मेहनत करने से कुछ भी पॉसिबल है। दो आई वॉज नेवर अ कंटेंडर फॉर परेड कमांडर,
बट मैं बन गया। बट वो 15-20 दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने रियली बहुत अच्छे दिल से मेहनत की। पेट से आवाज निकलनी चाहिए, गले से नहीं, बिकॉज गले से आपकी आवाज फट जाएगी। पेट से निकलती है वो, समझना जब प्रैक्टिस करेंगे तभी होता है। एंड वो लिटरली इट वॉज अ वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक फेज एक्चुअली, टू कम आउट फ्रॉम दैट नोवेयर टू टॉप दी और बिकम अ परेड कमांडर। इट वॉज ग्रेट। एंड विद दिस आई विल शेयर वन मोर थिंग विच प्रोबेबली यू पीपल मे नॉट बिलीव। मैं एयरफोर्स से साइड स्टेप हुआ था आर्मी में, और मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था, मैंने बताया भी नहीं था एक्चुअली। उन दिनों में एसटीडी फोन होते थे, तो हम तो 4-5 दिन बाद घर फोन करते थे, ये मोबाइल की तरह तो थे नहीं कुछ, तो 4-5 दिन बाद कांटेक्ट होता था। तो मेरी ट्रेनिंग बस ठीक चल रही इतना बोलता था मैं, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, बट आई नेवर फेल्ट कि आई शुड शेयर इट। मैंने कभी नहीं बताया कि मैं अपॉइंटमेंट बन गया, बिकॉज उनको कुछ पता तो था नहीं फौज के बारे में। आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल एंड मिलिट्री काइंड ऑफ, वो इग्नोरेंस ही है हमारे यहाँ, अब पता है सब कुछ, लेकिन तब तक तो कुछ नहीं पता था। तो उनको मैंने बताया नहीं था कि मैं एकेडमी में अपॉइंटमेंट हूँ और मुझे अवार्ड मिलेंगे। तो जब वो पेरेंट्स आए एकेडमी में फॉर द पासिंग आउट, तो 2 दिन पहले जब आए तो थोड़ा घूमने आए, और इंसिडेंटली मैं नहीं मिला और कुछ अपने ही कोर्समेट या कुछ जो लोग मिले या जूनियर्स भी मिले, उन्होंने जब पूछा हमें इनसे मिलना है, बेटे से मिलना है, जो भी पेरेंट्स एंड ऑल रिलेटिव्स, तो सबने उनसे शेयर किया फिर कि योर लाइक स्पेशली दशरथ यादव साहब, ये भी उनसे टकरा है, इन्होंने बोला आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, आप बहुत लकी है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उनको तब पता चला, तो देवे शॉक्ड कि ये इसने कभी कुछ नहीं बताया, बिकॉज उनकी जर्नी में देर वे सम पेरेंट्स इन ट्रेन, ट्रेन से आए थे, तो वो अपने बेटे के बारे में बताते थे और इनके पास कुछ नहीं था बताने के लिए। आई नेवर टोल्ड देम, तो आई आई रिग्रेट दैट नाउ, आई रिग्रेट दैट कि मैंने, क्योंकि आई नेवर थॉट ऑफ शेयरिंग इट कि उसमें क्या है। उनको लगता था हाँ एयरफोर्स में था और आर्मी में चला गया, और उनको वहां आके बहुत, उनको भी गिल्टी हुआ फील हुआ, स्पेशली पापा को। पापा को लगा यार हमें, हमारे बेटे के बारे में कुछ नहीं पता था, बिकॉज आई नेवर शेयर्ड, फॉल्ट लाइज विथ मी। बट देन नाउ इन हाइंड साइट इट इज फॉर अस एज अ फैमिली इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट वेन द फैमिलीज पर्सन इज स्टैंडिंग देयर, विच अमिताभ कुमार सर हैड सेड कि तुम मेहनत करो, तुम एकेडमी में अपॉइंटमेंट की तरह खड़े होंगे तो आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, नियर एंड डियर वंस को बहुत अच्छा लगेगा, एंड ऑफ कोर्स इवन द लास्ट जीसी एंड द फर्स्ट वॉट एवर सोर्ड ऑफ ऑनर ऑल आर सेम, बिकॉज आफ्टर दैट इट इज रोल इज सेम, इट इज जस्ट दैट मैटर ऑफ सम लक और स्टार्स, समवन मेक्स इट टू द हायर पोजिशन इन दैट एकेडमी, देयर आफ्टर इट इज अ प्लेन प्लेटफॉर्म आफ्टर यू बिकम लेफ्टिनेंट, बट एज अ फैमिली दैट इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट। लक को स्टार तो नहीं बोलेंगे भैया, वो खान छलनी पड़ती है, ऐसे नहीं बन जाते स्पॉट बॉलर। अभी मैं जानता हूँ कई लोग मोटिवेट हो रहे हैं, कई लोग एकेडमी जाने जाने वाले हैं, कई लोग एकेडमी जा रहे हैं, एसएसबी के जा रहे हैं, और कई लोग आप में से जो देख रहे हैं, कई लोग एकेडमी की तैयारी करें और सोच रहे हैं हमें भी संजय सुनावने की तरह स्पॉट ऑफ ऑनर चाहिए, कल संजय सुनावने साहब की तरह हमको भी स्पॉट ऑफ ऑनर चाहिए एकेडमी में। भैया ये बात जान लो भैया, इट साउंड वेरी ग्लैमरस, मगर कड़ी मेहनत है। आपने सुना कैसे वो कंपनी के पीछे पेड़ की टहनी के ऊपर उल्टा लटक के, किसी को मालूम नहीं था, रात को, रात रात भर, और हमको मात्र 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे की अगर नींद खींच ली तो भैया बहुत आराम, बहुत लंबा, जैसे संडे को हम खींचते नहीं है वैसे। तो आप सोचिए 3 या 4 घंटे महज सोने को मिल रहे हैं, उसमें भी अगर संजय सुनावरे जाके पेड़ की टहनी पे उल्टा लटक के आवाज निकाल रहे हैं, तो कितनी मेहनत, कितनी तपस्या, कितनी प्राशन करने की जरूरत पड़ती है। तो इट्स अली, नॉट आई वॉन्ट इजी। टू गिव क्रेडिट, वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, जो मेरी कॉम्पिटिटर थी वो फॉर दैट पासिंग आउट परेड के परेड कमांडर के लिए प्रमिला थी, प्रमिला मोहिते, उसने मेरे से एक बहुत अच्छा शेयर किया, सी गेव मी टिप्स। मेरी कॉम्पिटिटर है लेकिन मेरे लिए टिप्स उसने इम्प्रूवमेंट के लिए, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। जो उसने मुझे बोला कि ग्लाइकोडिन ले लो और काली मिर्च ये आप खाओ, और ग्लाइकोडिन के साथ ये थोड़ा दिन में 2-3 बार पियो, आपका गला क्लीन रहेगा एंड आपको तकलीफ नहीं होगी। तो दिस इज हाउ पॉजिटिव स्पिरिट एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन जो एक कोर्समेट्स में मिलती है, दैट इज अ वेरी वेरी, इवन आई लुक बैक दैट वॉज नॉट डेलिबरेट। जब मैं अपने कोर्समेट्स के नाम दे रहा था, मेरा नाम तो रख नहीं रहा था। दिस इज हाउ नाउ एज अ मैच्योर्ड पर्सनल वी फील कि वो कितना नेचुरल था हमारे अंदर बिहेवियर, कि वी वेर
सेल्फलेस, वी वेर रिकॉग्नाइजिंग व्हाट एवर इज करेक्ट. वो बहुत अच्छा था. तो आई आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम दिस फोरम कि मुझे प्रमिला ने उस समय हेल्प की थी. सी वॉज अदर कंटेंडर अदरवाइज. सर दोस्तों, आपने आपके कॉम्पिटिटर जिनसे आप कॉम्पिटिशन लड़ रहे हो लेकिन वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये आप केवल फौज में प्राप्त करोगे और कहीं पे नहीं. दुनिया में खाक ठान लो, आपको जिसे कोई कंपटीशन कर रहा है वो बस आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, आपके आगे बढ़ने की दुआ नहीं करता कहीं, अक्सर ऐसा होता है. लेकिन फौज में आप देख लीजिए, यू कीप योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट अहेड ऑफ यू. नाउ संजय, लेट्स कम, अभी एक घंटा हो गया, मैं जानता हूं आपको भी जाना भी है और आपने अपना वक्त किया, मगर बहुत दिलचस्प किस्सा है. किसी का कमेंट भी आया था वहां पे. अरे मलत सिंह जरियाल ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है सर, बट ऑन 26 जनवरी यू प्रूव देम रॉन्ग. के भाई हाँ भाई, मैं 26 जनवरी की परेड उसके बाद करी कमांड करी, तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड जो पेन, जो वर्ड ऑफ कमांड, जो तकलीफ, जो रिहर्सल, जो प्रैक्टिस तो जाती है. और संजय, आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ होगा परेड के टाइम पे या नहीं हुआ था ये बताओ, क्योंकि अनुमान तौर पर जो होता है परेड में जो आगे रहता है उसकी, लाइक आई नो मैंने 26 जनवरी की परेड कमांड कर रखी है, जो हालांकि पासी और परेड में भी स्टिक नहीं हुआ था, और मेरे को दोनों पांव में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे, जो मैंने उस टाइम पे बहुत कई कम लोगों को बताया, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो क्या होगा, कहीं मेरे पे साथ जो पोजीशन दी गई है, मेरे को अपॉइंटमेंट दी गई है परेड कमांडर की, कहीं वो ही ना छिल जाए, अरे नहीं 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 इसको फ्रैक्चर है, इसको निकालो परेड कमांडर के वजह से. तो आपके पांव में भी इट्स नॉट ईजी, कमर टूट जाती है दोस्तों प्रैक्टिस करते करते. तो समझे, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुए या आपको नहीं हुए थे ये बताओ पहले. अली इज राइट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत कुछ करवाती है, आपको छुपाना पड़ता है. दर्द तो हुआ था, बट अली इसी पॉइंट पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ जिंदगी में होता है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड. इससे रिलेटेड मुझे कुछ फ़ायदा पहले कुछ हुआ, इससे हुआ जैसे एयरफोर्स में मुझे 8 अक्टूबर एक रेजिंग, जो एयरफोर्स की रेजिंग का फाउंडेशन डे का वो जो है डे, उस पर परेड का मौका मिला था, उसमें कुछ प्रैक्टिस का फ़ायदा मुझे वहाँ हुआ. सेकेंडली, जब मैं एकेडमी आया तो मैं उसके पहले एयरफोर्स में मैं कमांड लेवल पे क्रिकेट खेलता था, तो वहाँ मुझे एक फ्रैक्चर हुआ था, हेयरलाइन फ्रैक्चर. और जब मैं एकेडमी आया तो पहले दिन आई वॉज वरीड कि ये फ्रैक्चर, क्योंकि वो निकल नहीं रहा था, ट्रीटमेंट भी टाइम नहीं था, और जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग एकेडमी वो हुआ था. तो वो हेयरलाइन फ्रैक्चर एक हफ्ते तक मैं आई वॉज वरीड, लेकिन जैसे ही वो 2.4 शुरू हुआ और वो जो पेस बना एकेडमी का, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला वो फ्रैक्चर का है, वो अपने आप ही हील हो गया. अब आते हैं पासिंग आउट परेड की प्रैक्टिस में. यू आर राइट, कुछ ना कुछ दर्द होते हैं जिसको आप चाहे जैसे भी हो, यू हैव टू कैरी ऑन विद देम, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू से ओपनली कि मुझे अब यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, बिकॉज उस समय आपका जो एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन जस्ट नलीफाइज एवरी थिंग, ऑल पेन्स. एंड दैट इज वाई सोडो बॉनर का इंटरव्यू में वो शायद नेचुरल स्टेटमेंट था, एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्वीट पेन विथ स्वीट मेमोरीज. तो ये है समिंग अप ऑफ एनी थिंग वाई यू डू. इन फैक्ट इन बैटल फील्ड प्रोबेबली सम पीपल में लाफ कि ऐसे कैसे कि भूत सवार होता है, पीपल डाई फॉर कंट्री और डाई फॉर मिशंस. That is what is craziness. That is what is soldierliness. That is what is leadership. Ultimate form of leadership is a military leadership. Yes, Sanjay, superb, bhai, superb. अच्छा, and अब क्योंकि एक घंटा हो गया, अब मैं जानता हूँ आपको जाना भी है, मगर अब आपके आते हैं आपकी commissioning में. जब आप, क्योंकि आप merit में सबसे top पे थे, आप चाहते तो कुछ भी आपको आम जिसको आग बदले छूने आपको आपको आम आपको मिल जाता, ठीक है. और मैं एकेडमी में था SFOPT स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडोज का, कि भाई बहुत जज्बा, बल्कि मैं आया ही था फ्रैंकली स्पीकिंग एकेडमी OTA में कि भाई मैं एक वर्दी, एक मरून बेरे पहनेंगे, कमांडो लिखा होगा, ब्लैक डाग दिया, कमांडो बनेंगे. मैं करने आया था क्लियर माइंड से 5 साल करूंगा केवल, आई विल डू ओनली 5 ईयर्स. उसके बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी मिस्टर पूना जीत चुका था, मिस्टर पूना टैलेंट, फिर मैं मॉडलिंग, आपको मैं फोटो दिखाई थी अपनी एकेडमी में मॉडलिंग करा था, और मुझे लगा कि भाई 5 साल कमांडो बन के जब आएंगे तो भाई एक अलग रुतबा होएगा कैप्टन. तब मैं लगा कि भाई मैं कैप्टन साहब बन के बाहर निकलूंगा, मैं मेजर साहब बन के आ गया, क्योंकि असम राइफल में था, फील्ड पोस्टिंग थी, ठीक है. तो मैं हार्ड कोर ऐसे ऑप्शन था, लेकिन मैं आर्टिलरी में गया क्योंकि मेरा पेरेंटल क्लेम था. मेरे आई नो फादर भी आर्टिलरी के थे, उन्होंने कमांड की थी. तो और यूनिट से जो उन्होंने लिखा मेरे को कि भाई तुम SF में क्यों जा रहे हो भैया, तुम यहाँ पे आर्टिलरी रेजिमेंट में आओ, ये वो उस तरीके से. फिर मैंने
पीसी वन ले ली। अब एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा है, वो संजय अभी आप मेरे को फोन पे कुछ टाइम पहले याद ला रहे, याद आ रहा है, हाँ ऐसा हुआ था कुछ, ऐसा कुछ किस्सा मेरे को याद आ रहा था। तो आप अपने पहले तो आप बताइए चॉइस ऑफ आर्म आपने क्या ऑप्ट किया, कैसे ऑप्ट किया और क्यों ऑप्ट किया, और उसकी आगे कहानी बताइए कमिश्निंग की। यस अली, वो भी बहुत सिंपल ही स्टोरी है। बिफोर ज्वाइनिंग ओटीए मैं ऑप पराक्रम में डिप्लॉयड था एक एयरफोर्स स्टेशन के आउटस्कर्ट्स में जामनगर में, जहाँ पे हम थोड़ा सा अलर्ट पोजीशन में थे। और इफ़ यू नो, सम ऑफ यू मे बी नोइंग, तब एटलांटा गिराया था हमने पाकिस्तान का, उस सेक्टर में मैं था। और हमें एडी, तब मैं एयरफोर्स में था, एडी एलिमेंट्स के साथ बैठे हुए थे, तो मुझे थोड़ा एडी के बारे में पता था। और वहाँ के जो ट्रुप्स थे वो मुझे लाइक करना, पसंद करना शुरू कर दिए थे, और मैं कमिशनिंग होने वाला हूँ ये उनको पता चल गया था। तो वो मुझे बोलते थे कि आप ज़रूर एडी में आना। जब मैं एकेडमी में आया तो आई डिड नॉट प्लान, प्रोबेबली दैट इज़ द वेदर इट इज़ गुड और बैड, बट आई डोंट प्लान थिंग्स। तो मैंने लास्ट तक कभी सोचा नहीं था क्या ऑप्ट करना है। तो एक दिन एक बटालियन लेवल क्लास हुई, तो बैटकॉम अपने सागर सर, कर्नल सागर, बीबी सागर, बैटकॉम मतलब वो तो बटालियन कमांडर जो कि कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो बटालियन कमांडर, तो कर्नल बीबी सागर वो भी आर्टिलरी के थे जी। तो आरएस बटालियन का लेक्चर पासिंग ऑन परेड के टाइम पे वो, और एक कैप्टन जोशी थे आर्मर्ड कोर के, पर क्या आवाज थी दोनों की, वो कमांड करते थे व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे, वो जिस तरीके से वो कमेंट्री करते थे जबरदस्त। ओके संजय प्लीज गो। यस, इट रिमाइंड्स दैट साउंड एज फ्रेश एज पॉसिबल। तो उन्होंने मुझे उस क्लास के बाद, वो जा रहे थे वो हॉल, आई डोंट रिमेम्बर, अपना जो सिनेमा हॉल था उसमें, हाँ चाणक्य, तो उसमें जो पीछे गए और उन्होंने बोला एसी है कम हियर। तो मैं गया, तो फ्रॉम द सेम बटालियन उन्होंने बोला व्हाट आर यू ऑप्टिंग, मतलब ऐसे नहीं कि भाई अब टहलते हुए चले गए, ठीक है दोस्तों कम एसी है कम हियर, मतलब एसी जो भी कैरेट होगा वहां पे, और वहां पे अशोका पथ, अशोका पथ पे आप चल नहीं सकते हैं, ये कंडीशन है, आपको दौड़ना होता है। अगर आप साइकिल पे तो साइकिल पे, और अगर क्रॉस कर रहे हैं तो दौड़ते हुए क्रॉस करना है स्क्वाड में, ठीक है। और जैसे ही आपको ड्रिल उस्ताद या साहब लाल पट्टी यूं पहनी है, मतलब वो परेड उस्ताद हो गया, कंधे पे लाल पट्टी है तो वेपन ट्रेनिंग उस्ताद हो गया, अगर लाल मोजे पहन रखे हैं तो पीटी उस्ताद हो गया, खतरनाक। और ड्रिल उस्ताद जो है जलाद, उनको देखते ही हम कहते अरे भाई बहुत खतरनाक खड़ा, वो बेल्ट पकड़ते थे और क्या क्या डायलॉग होते थे, जैसे एक उंगली तो उठा के मारूंगा, उठा के वहां पटकूंगा, क्या क्या डायलॉग है क्या अजीब। तो भी सुनो उस पे एक बुक बन सकती है अशोक पत्र, अशोक पत्र एंड द मोमेंट अ बटालियन कमांडर कॉल्स एसीए, एसी कम हियर, तो ऐसे नहीं कि पास गए एक टैंक में खड़े हो गए ना, कट बॉडी में करंट ठक जाके सैल्यूट मार के प्रॉपर मार्च किया, थंप सैल्यूट मारा जैसा, और फिर हाजिरी होती है ये संजय, देन बैटकॉम कॉल यू एसीए कम हियर, देन तो ही आस्क मी वेरी कैजुअली कि व्हाट आर यू ऑप्टिंग, क्योंकि वो समय आ गया था हमारा, वो एमएस ब्रांच के लोग आने वाले थे, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के, और हमें चॉइस ऑफ आर्म्स क्या ज्वाइन करना चाहते हो वो फेज आने वाला था दो तीन दिन में। तो उन्होंने मुझे पूछा व्हाट आर यू ऑप्टिंग, तो मैंने बोला सर आई हैव नॉट थॉट ओवर इट बट आई विल ऑप्ट एडी। तो बोला व्हाई एडी, आई सेड कि सर आई वर्कड ऑन रडार्स इन एयरफोर्स बिफोर कमिंग हियर and I'll be comfortable and as such I'm not sure how long I will serve, मैंने बहुत ही honestly वहाँ बोला, which I conveyed to academy adjutant on last day, which he was totally surprised कि इतना मेहनत करने वाला बच्चा अभी से ही बोल रहा है कि he may not do complete service, तो for own reasons। तो कर्नल सागर ने मुझे बोला कि why AD, तो मैंने बोला कि ये है थोड़ा सा मुझे लगता है कि I can do much better, it is थोड़ा सा technology and वो उस पर I am comfortable। तो ही सेड कि ओके इफ यू वांट एडी मिसाइल्स आई विल गेट यू बिगर मिसाइल्स। तो मैंने बोला ठीक है बिकॉज ही मीन स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स अग्नि पृथ्वी दोज डेज इट वाज जस्ट कमिंग। तो एमएस ब्रांच जिस दिन आई उसके दो चार दिन बाद ही हुआ था, तो वो अलग से मिले लोग मुझे एंड दे टोल्ड मी दैट टाइम आई डिड नॉट नो कि इतना कुछ ये सब आर्म्स का ये थोड़ा बहुत होता है पुश पुल। तो उन्होंने उनमें से एक एएमएस ने मुझे बोला कि यू राइट ओनली मिसाइल आरटी मिसाइल आर्टिलरी मिसाइल एंड यू विल गेट इट, वी विल पुट यू आर द फर्स्ट वन टू गेट इनटू अग्नि मिसाइल
उन्होंने तभी बोल दिया था एंड इट विल बी हिस्ट्री बिकॉज नो जीसी गोज डायरेक्टली टू मिसाइल रेजिमेंट बिकॉज वो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे बिल्डअप हो रहा था तब. तो आई वॉज थैंकफुली इट वर्क्ड. मैंने जो लिखा वो उन्होंने दे दिया. फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट को मिल जाता है जो भी मांगो. पीपल वुड हैव थॉट ऑफ अ यूनिट गोइंग टू यूएन मिशन और समथिंग लाइक दैट, बट वो मेरे दिमाग में कभी आया नहीं. और मुझे अग्नि मिसाइल दिया जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद जब तक फौज रहेगी अग्नि मिसाइल रहेगी तो उसमें फर्स्ट वाइवो फर्स्ट यंग ऑफिसर टू गेट कमीशन इन टू अग्नि मिसाइल इज माई नेम. तो दैट इज प्रोबेबली अ ग्रेट थिंग फॉर मी. नाउ कमिंग टू वन कनेक्शन विद अली रिगार्डिंग अग्नि मिसाइल, क्योंकि उस समय लोकेशन वॉज हिज फादर्स लोकेशन लोकेशन वाइज एंड हिज फादर वॉज कमांडिंग इन्फेंट्री डिव. और वहां पता नहीं उस यूनिट में जो जस्ट रेजी हो रही थी और वहां कोई यंगस्टर आएगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था बिकॉज मिनिमम सर्विस वाला ऑफिसर वहां था जब मैं गया. इट वॉज 12 ईयर्स 13 ईयर्स इनफैक्ट 13 ईयर्स की मिनिमम सर्विस थी मेरे से नेक्स्ट ऑफिसर की. तो वहां मैसेज मिला कि वन जीसी इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एकेडमी टू आर यूनिट. तो वहाँ मिसकम्युनिकेशन लंगर का वॉट एवर आई डोंट नो, सबको मैसेज मिला कि जियोसी सन इज कमिंग. तो जेसीओ हैड जीओसी कम एंड ही वॉज सर्चिंग अली. होता है दोस्तों, जीओसी होता है जनरल ऑफ कमांडिंग. तो नॉर्मली एक डिव कमांडर, मेजर जनरल या एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांड करता है वो हो गया जीओसी. तो एक वहां पे एक हवा ऐसे बन गई कि जीओसी सन इज कमिंग. हाँ, तो एंड सुनावने वाले विल टेल यू कि नॉर्मली एक एनसीओ हवलदार साहब आते हैं वहां पे अपलेट्स देने के लिए, वेलकम करने के लिए. यहाँ पे एक जेसीओ साहब, जीओसी नहीं, जेसीओ साहब. जेसीओ होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर या ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, वो होता है जेसीओ. तो एक जेसीओ साहब आए थे संजय को अकेडमी में ग्रीट करने के लिए. आगे कहानी संजय बताते हैं. तो एक रामचंद्रन साहब आए और उन्होंने पहले अली को ढूंढा, बट आई डोंट नो हाउ कम आई मेट हिम फर्स्ट बिफोर यू. तो उन्होंने बोला सर मुझे वो मिलना है ऐसे वैसे. तो फिर वहीं डिस्क्लोज हो गया कि आई एम कमिंग देयर. तो उन्होंने बोला अरे आप आ रहे. फिर उसने पता नहीं कहीं वेरीफाई भी किया और फिर मुझे वो हैंड ओवर किया एप्लेट्स वगैरह एंड ऑल दोस बेसिक थिंग्स. उस टाइम तक पता है संजय मेरे को खबर क्या मिली? तब मेरे को खबर ये मिली कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ज्वाइनिंग, यू आर द फर्स्ट बायो टू ज्वाइन दी. अच्छा, और संजय और मेरा काफी एक एक कॉमन चीज ये है कि हम दोनों एकेडमी के टॉपर हैं. ये टॉप हुए थे ऑर्डर ऑफ मेरिट ऊपर से और मैं टॉप हुआ था ऑर्डर ऑफ मेरिट लास्ट से. तो नहीं, ये हमारा था. बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग. आई डोंट नो बिकॉज हम टकराते रहते हैं. देर आर मेनी कनेक्शन, आई विल टेल यू, प्रोबेबली यू ऑल्सो डोंट नो आई थिंक. तो वहां पे उन जेसीओ साहब को मैंने बोला साहब आप चले जाइए, आपने आपका हो गया. बट ही वॉज रिलक्टेंट. फिर भी मैंने उनको बोला आप चले जाइए, आप सीओ साहब को बोल देना कि मुझे मिल गया और मैं आ जाऊंगा, मेरा वैसे भी प्लान ऐसे ऐसे है, आई विल रीच. तो उन्होंने भी फिर रिलक्टेंटली वो चले गए बिकॉज आई थॉट लिटिल ऑकवर्ड कि जेसीओ साहब क्यों आ गए. तो इट वॉज लिटिल बिट मिसकम्युनिकेशन. नाउ कमिंग टू अलीज अनदर कनेक्शन. अली यू वेंट टू आई एम कैलकटा फ्रॉम 85 टू लाइट रेजिमेंट. राइट राइट. सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. आई क्विट आर्मी फ्रॉम सेम रेजिमेंट. तो यस ऑफ कोर्स. सो देर हमारे आर यहाँ मेनी पे फल कनेक्शन. फल पट्टा वाज कमांडिंग इन माय टाइम. यस ही वॉज वही देयर बस. अर्लियर एंड देन अदर पीपल केम एंड देर आर मेनी कनेक्शन. आई डोंट नो, देर आर प्रोबेबली मोर. तो ऐसे कनेक्शंस है तुम्हारे और हमारे, फर्स्ट लास्ट, फिर प्रोबेबली सेम प्लाटून सेम कंपनी एंड मेनी थिंग्स. ओनली थिंग एसएसबी में शायद आगे पीछे हो गया हम और सेम I रेजिमेंट से was आउट होना. SSB Allahabad. Where were you? You also Allahabad, I think, or यस Bangalore. यस 34 SSB इलाहाबाद. अरे भाई, I was 17 SSB इलाहाबाद एंड रिजेक्शन सेंटर मानते हैं उसको. मगर दोस्तों, रिजेक्शन सेंटर नहीं हो, अगर अगर आप पे वो बात है तो आप सिलेक्ट होगे. ऐसा मत सोचो कि वो रिजेक्शन सेंटर है, वो सिलेक्शन सेंटर है. हर जगह पे अगर आप पे वो बात है तो आप सिलेक्ट होगे बस. और जैसे कोई नहीं होता तो खुदा होता है. आपने देखा संजय सुनावने की कहानी, मतलब इट्स सो इंस्पायरिंग एंड आई एम लविंग हियरिंग यू. ओके, हाँ संजय, देन 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 सो मिसाइल ग्रेट जर्नी टू स्टार्ट आफ्टर दी कमिशनिंग. इनफैक्ट आई स्टेड 1 ईयर एंड फ्यूचर जनरल वॉज सिटिंग देयर एज अ सीओ, जनरल श्रीवास्तव. एंड ही कन्वेड मी लॉट ऑफ मेमोरीज एक्चुअली. ही सेड सन यू शुड गो टू अ नॉर्मल यूनिट इन द इनिशियल डेज. आई विल राइट अ लेटर टू आर्मी हेडक्वार्टर एम एस ब्रांच एंड
he conveyed to me first and then wrote a letter. I also got convinced. He said ki here the next senior to you is 13 years. So probably it will be a very, very injustice to you because you will be little found wanting on that training and all those things, which he explained to me. And I said, okay, sir, whatever you feel is correct. So do it. So I was then after 1 year. But during that 1 year, a lot of things which we can't disclose here. Amazing time. Or it is a strategic thing. You get to know a lot of things. So then I felt proud ki I am in such an organization which is amazing because these things you can't read, you can't see in open forum or in televisions or nowadays little bit media covers, but still anything strategic is interesting to work from inside. And then went to medium and then light and then exited from army after 14 years. So things are pretty satisfied and I am thankful. Great organization. If someone is really aspiring, try and fix your aim first and feel deserving that you are meant for that. And OLQs, you must be reading then, officer-like qualities. And mean from heart, actually. It is not that you theoretically adopt those qualities. You have to practice at home because you have to just judge at home how you behave. Because do you fit into your home? Do you really respect your mother and father? For example, hypothetically, a kid is not respecting mother and father. Forget about serving motherland. You are not respecting your parents. Just you can check there only how you behave with parents and then apply the same template to the great organization because Army is one family. Air Force is one family. Navy is one family. And now tri-services is one family. Future wars are multidimensional. Tri-services world reminds me, Ali, a very emotional thing. I worked with CDS General Rawat in one of the tenure very closely. Great man. It's a great nation's loss, actually, once we heard that news. And now that's what I'm saying. Tri-services is becoming one solid thing. And CDS is meant for that. And future is very, very dynamic, multidimensional things. War will not be at front, at the border. It will be at our home, home front. Every person's mobile probably a instrument of participating in war, actually. Exactly. You know, Manav Singh Jariyal ka comment aaya hai, sir, also tell us about ADC who work under President of India. Well, Manav, ADC does not only work under the President of India. ADC is for a ceremonial appointment given to either President, Governor, or the Chief of the Army Staff, CDS, or a Corps Commander, or General Saab jo hota hai Fauj mein. तो नॉर्मली अक्सर आप देखते हैं कैप्टन साहब एक मेजर साहब होते हैं एडीसी. तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था एडीसी बनने का. एंड गेस टू हु? टू माय फादर. ही वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल. ही रिटायर्ड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. तो जब नागालैंड में वो कोर कमांड कर रहे थे तब मैं उनका एडीसी था एज अ यंग कैप्टन. मगर ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी. ये मत सोचिए कि अपने फादर का एडीसी किया तो भाई पार्टी पेड हॉल्ड ना. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी चैलेंजिंग. बल्कि सुनाब ने एक टाइम मेरे को याद है मैं देवलाली में आया था आप लोगों को मिलने के रियूनियन के लिए. जब मैं जनरल शाह का एडीसी था एंड यू वर पोस्टेड इन देवलाली एट दैट टाइम एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर यार. वी वर लाइक वी. यस अली, व्हेन यू मेंशन योर फादर, ग्रेट मैन. फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई रिस्पेक्ट योर फादर एज अ जनरल एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. ग्रेट ग्रेट मैन एंड लॉट टू लर्न फ्रॉम सच ग्रेट हीरोज. दे आर एक्चुअली they have set a good platform for army, these people. We need to carry forward such things. Those who are going to join forces, they have to walk on these great steps because your unit, Ali, 170. Am I right? Correct, 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 Ravne, correct. And I heard a lot. It has produced, I think, many heroes, many generals. And one of them is your father. So those who are aspiring to become something, probably we need to really work hard, really mean it from our bottom of heart, what actually we are choosing. And let's be ready to work then with your entire commitment. Thank you, bhai. Thank you. And, you know, lastly, I know you have, jab academy mein, aag jab pass out ho rahe the na, jab JCO saab aaye the, ke missile group se aaye the, तो मेरे को बोला गया अभी मुबारक हो तुम मिसाइल ग्रुप पे कमीशन हो रहे हो, तुम पहले यंग ऑफिसर हो गए हो मिसाइल ग्रुप में. तो इट्स नॉट फीलिंग हैप्पी सुना आपने, ट्रस्ट यू मी ब्रदर, आई वाज डिसअपॉइंटेड.
बहुत डिसहार्टेड हो गया। मैंने कहा यार मेरा तो ख्वाब था साला कमांडो बनने का, मरून बेरे पहनने का और कमांडो लगा के ब्लैक डांगरी में घूमने का, और यहाँ पे फिर मैंने आखिरी ऑप्ट करी अपने फादर की रेजिमेंट। ये मिसाइल रेजिमेंट में कहाँ से हो गया मैं, और मैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ही कमजोर था, तो वहां पे तो और भी ज्यादा। मैं वायोस में भैया चार्ली ग्रेडिंग से पास हुआ था भैया, ठीक है। और आज की तारीख में जो ओटीए में आखिरी लास्ट नोट ऑफ मेरिट जो वायोस में चार्ली ग्रेडिंग सी ग्रेडिंग से पास हुआ था, वो आज की तारीख अगर वो यूनिट में कुछ बोलता है लेफ्टिनेंट या कैप्टन तो ब्रिगेड कमांडर नाम तक नहीं जानता होगा, जोशी तो भूल जाओ, ठीक है। वो ही लड़का आज की तारीख में जब बोलता है अपना एनालिसिस देता है, आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, तो यूनिट आर्मी पूरा देश विदेश के लोग उसका एनालिसिस सुनते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मेरी हैबिट बनी पढ़ने की आज की तारीख में मैं बहुत पढ़ता हूँ। अभी भी मेरे पास यहाँ पे कम से कम 6 किताबें पढ़ी हुई हैं जो मैं रात को सोने से पहले पढ़ूंगा और बिना पढ़े नींद नहीं। अली मार्क माई वर्ड्स, आई गॉट मोर देन व्हाट आई डिजर्व, यू आर येट टू गेट योर ड्यूज एंड इट विल कम सून। अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है भाई, दिस इज योर ग्रेटनेस एंड योर हम्बलनेस। नो मैन, यू डिजर्व मच मोर संजय, एंड यू एंड व्हाट आई हैव गॉट इज एक्चुअली मोर देन व्हाट आई डिजर्व्ड। एक्चुअली आई टोल्ड यू लास्ट नोट ऑफ मेरिट चार्ली ग्रेडिंग है, जिसे कोई दोस्ती नहीं करा जाता अकेडमी में। आज की तारीख में डिफेंस एनालिस्ट क्या डिफेंस एक्सपर्ट बोलते हैं मीडिया, मतलब मैं नहीं मानता अपने आप को कोई एक्सपर्ट या कोई स्ट्रैटेजी प्लान करता हूँ, कुछ नहीं है। मतलब मेरे को अनुमान तौर पे जो माइनर टैक्टिक्स जो अकेडमी में सिखाई गई, जो फौज में सीखी और जिस तरीके से मेरे को बयान करना करना होता है, बस वही किस्मत की बात होती है। मैं हिंदुस्तान में लोग सोशल टीवी पे आता है ना भैया, बड़ा अच्छा है, एक गलत फहमी या कुछ भी बोलते हैं, एक तरीके के परसेप्शन बना हुआ है, मगर ऐसा हमेशा तो नहीं है। कम से कम मैं जो बोलता हूँ भी आपने सुना, और संजय और मेरी पुराने यार दोस्तों की कहानी, हम 2002 में मिले थे पहले, ठीक है। इट इज लाइक हम दिल से दिल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुई। संजय भाई आपको मैं बहुत डिले कर रहा हूँ, आपके पास वक्त है, आप ईमानदारी से बोल दो, अगर जाना है तो बोल दो भाई, कोई तकलीफ की बात नहीं है, सोचो अपने घर में बैठे हो। यस 10 मिनट्स वी कैन कंटिन्यू। Super. So let's take some questions. दोस्तों अगर आपको कोई questions पूछने हैं from the sword of honor straight from the horse's mouth, आप अभी पूछ सकते हैं। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आपको एक officer मिल जाएगा मुझ जैसा जो जो कि मार मार के पास हुआ, ठीक है, रगड़ा खाया, ठीक है, लेकिन sword of honor, the top of the course, exemplary officer, जिसको मैं खुद देखता हूं, मैं खुद एक तरीके से idolize करता हूं। आज की तारीख में अगर आप मेरी मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं भाई, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया एकेडमी में, एक टाइम ऐसा भी आया था, हाँ संदीप, यू टोल्ड मी ऑन द फोन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच यू, यस अली, आई मेंशन में भाई थक गया था, हाँ वो डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। मुझे एक दिन याद है अली, व्हेन यू वर रियली डाउन एंड यू वर अपसेट विद व्हाटएवर पनिशमेंट्स वर गोइंग ऑन एंड ट्रेनिंग से कोप अप नहीं हो पा रहे थे, वट एवर, तो यू वर रियली डाउन एंड दैट फेस कम्स इन एनीबडीज लाइफ, वो सबके लाइफ में आता है। तो यू वेर अबाउट टू फील कि मैं ये गिव अप करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू थिंक री थिंक वॉट शुड आई डू, देन वी हैड अ वेरी सीरियस टॉक दैट डे कि आई ट्राई टू रिलेट यूर सेल्फ विद योर फादर बिकॉज you may or may not want to continue give your best, but for your father's sake, because that is something which is very important, because his father was icon in Indian Army. That time he was general officer commanding of an infantry division, and which means a lot. His son cannot lose his guard, and that was a bigger responsibility on his shoulders. And this is exactly happens with some of the people who carry burden. Sachin Tendulkar's son have a lot of burden. Amitabh Bachchan's son has a lot of burden. Same was with Ali. He came with a burden, and it is difficult to operate in such scenario. And I saw it from close quarters, and I tried my best as a friend, and even academy adjutant was concerned. I never shared with you. One day, Alawas sir had in my one of the conversations said, just look after Ali. This was his words. Just see if there is anything problematic. So I was told to observe.
दिस प्रोबेबली आई डोंट नो वेदर इट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू नहीं, बोलो कन्फेस, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे बोलो भाई, जिससे बोलो। बट दिस आई नेवर शेयर्ड विथ एनी बडी, बट दिस वॉज ऑल्सो द कंसर्न बिकॉज सी दे न्यू वॉट प्रेशर यू आर कैरिंग एंड दे न्यू वॉट डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग फिजिकली, देर वेर सम इशूज, सो एवरीबडी वॉज कंसर्न, पीपल डोंट शो बिकॉज दे आर टू ब्रेव एंड दे विल ऑलवेज ऑपरेट साइलेंटली. So even Alavas sir had once said, just keep observing. If there is anything serious, report to me. So probably I was also doing part of my duties as an ACA and keeping yours as fit as possible, mentally and physically. I tried my best. एंड दोस्तों एक चीज और बोल दूं मैं आपको, एक दिन मेरे को याद है ड्रिल स्क्वेड ग्राउंड के बाहर हम खड़े हुए थे और मैं तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था अकेडमी में, है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब नॉट लाइक संजय, आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर उनको खड़ा करते थे, ठीक है। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था और मेरे बाजू में एक नौशेरा कंपनी के एक और कैडेट खड़े थे, और इंसिडेंटली इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि एक दिन हम लोग पीटी ग्राउंड में थे, मुझे मालूम था कि मैं हमारे कंपनी हमारी जो येलो टी शर्ट थी हमारी फ्लोरा कंपनी ऑरेंज टाइप्स ऑरेंज थी और वो लाल थी नौशेरा कंपनी के। तो एक दिन हम शाम को हम खेले थे साथ में और उसके बाद हम वहां पे खड़े थे परेड ग्राउंड पे। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है भाई, पाँव में तकलीफ थी? अच्छा, मेरे को भी पाँव में तकलीफ थी। हम लोग परेड ग्राउंड के बाहर खड़े थे और वो भी मेरी तरह फील हो रहे थे डीएसटी में, लेकिन उनका नाम है कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र अलाइव, वो के हमारे कोर्समेट हैं, जो के नॉर्मली क्या है, अशोक अशोक चक्र इनको मिला है अमन तौर पे, बहुत लोगों को मरण प्राण मिला है लेकिन उनको जिंदगी में वर्दी में मिला है। ऐसे ऐसे हमारे कोर्समेट्स हैं, लेजेंड्स, आपने देखा होगा यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे, कर्नल संजय सुना आपने, कर्नल डी श्री राम कुमार जो कि अशोक चक्र भी थे। तो उस तरीके से आप इनसे प्रेरणा लीजिए, ये लोग हैं जिनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, ये लोग हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को, इनकी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये आपका योगदान होगा। कहां पे किसको, कहां पे पता नहीं, किस गरीब को, मुझ जैसे लोगों को यहाँ पे हेल्प मिल जाए ऐसी कहानी सुन के। और संजय भाई ने एक और बात कही थी कि जी हाँ, इवन दो माई फादर वॉज अ जनरल, इवन दो जब मैं बॉम्बे गया फौज के बाद, नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब मेरे फादर के छोटे भाई हैं, सगे भाई, लेकिन कभी भी संजय इवन यू विल वाउच फॉर इट, आई नेवर टुक इवन 1% हेल्प फ्रॉम आइदर जनरल शाह साहब और फ्रॉम नसीर साहब, जो आई नो किया आई अपने नो दम पे उनसे भी किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि भाई मैं भी स्ट्रगल करके, हमारे पास ऐसे इंस्पिरेशंस हैं दैट टू लुक अप टू एक्चुअली लुक एट। एंड आई नो संजय पुट ऑफ हिज कैमरा, ही इज वेरी नाइस, ही इज अ पोलाइट जेंटलमैन, ही वुड नॉट से ही गेटिंग लेट, ही हैज टू ट्रैवल आउट ऑफ द सिटी एंड ही डिड नॉट से नो टू अ कोर्समेट, टू अ डियर फ्रेंड। तो कहते हैं फौज की ब्रदरहुड कॉमराडरी। संजय भाई थैंक यू वेरी मच, आई लव थैंक यू यू एंड अली, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम ब्रदर, लॉट थैंक ऑफ यू, लव, थैंक यू अली, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, बाय, आई एम एंडिंग द लाइव गाइस, टेक केयर, चीयर्स।